नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और यह है ललन टॉप का चिकोलाइट प्रोग्राम नेताजी घेरे में, जहां पर नेताजी को हाथ जोड़कर बुलाया जाता है, जनता के हिस्से के, सोशल मीडिया के हिस्से के, सियासत के हिस्से के सब सवाल बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी एजेंडे के पूछ लिए जाते हैं। दिल्ली में चुनाव है और नेताजी घेरे में हमारे मेहमान हैं दिल्ली के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सौरभ जी, मुझे आनंद आ रहा है कि मैं लल्लन टॉप के नेताजी घेरे में हूँ। अच्छा, एक बात बताइए मनोज जी, आप जब गायन में, कला के क्षेत्र में, सिनेमा में थे, तब आपका ये नाम मशहूर हुआ मृदुल जी, तो ये नाम किसने रखा? क्योंकि आपके विरोधी भी कहते हैं कि मनोज तिवारी, विरोधी कहते हैं मीठा काटते हैं, समर्थक कहते हैं भाई साहब बड़े संयत स्वर में रहते हैं। ये गुलशन कुमार जी ने नाम दिया था। अच्छा, जब मैं मनोज कुमार तिवारी हुआ करता था, मेरा हाई स्कूल का नाम है मनोज कुमार तिवारी। अच्छा, तो जब मेरा पहला एल्बम निकला तो उन्होंने कहा ये मनोज कुमार तिवारी बहुत लंबा है, मनोज तिवारी लिखो और मृदुल लिखो। ये किस बरस की बात है? ये 1996 जनवरी की बात है। अच्छा, तो मैंने उसको गुलशन कुमार जी का आशीर्वाद समझ के ही लगा लिया। और आप देखिए ना, मृदुल लगाते ही मेरी किस्मत चमक गई। हालांकि वो उन्होंने क्या सोच के दिया था, मैं मृदुल हूँ, मैं सॉफ्ट हूँ, या मेरी बातचीत का लहजा सॉफ्ट है, जो भी हो उन्होंने दे दिया, हमने लगा लिया। तो ऐसे भी आप जानते हैं गाना वाना गाने में थोड़ा सा टाइटल वाइटल का एक उपयोग होता है। तो मैंने भी मृदुल लगा ही लिया, और लगा लिया तो लोग हमको मृदुल 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 जी कहने लगे, चल गया। ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खां आपके साथ मृदुल नहीं थे अपने व्यवहार में, क्या हुआ था पुल के उद्घाटन के वक्त? पर मैंने अपनी मृदुलता नहीं छोड़ी। हुआ क्या था? हुआ ये था कि सिग्नेचर ब्रिज जो 11 वर्षों से इंतजार हो रहा था कि वो बने, 2014 में जब मैं चुनाव लड़ने गया तो हर दरवाजे से आवाज़ आ रही थी सिग्नेचर ब्रिज बनाओगे, सिग्नेचर ब्रिज बनाओगे। तो मैंने अपने मैनिफेस्टो में सेकेंड नंबर पे पहला लिखा ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करना है, उसी से जुड़ा था सिग्नेचर ब्रिज बनाऊंगा। और मैंने पूरी तफ्तीश की, पता चला 11 साल से कितनी कंपनियां भाग चुकी हैं, 1100 करोड़ रुपया उसमें जा चुका है। साहिब सिंह वर्मा जी के समय में एक बस गिरी थी तो बच्चे 28-29 बच्चे मर गए थे तब। वो ये 98 के चुनाव में बड़ा चुनावी मुद्दा भी था, बड़ा बड़ा चुनावी मुद्दा था। और ये 97 में घटना घटी थी, और ये बच्चे जब उतने 28-29 बच्चे एक साथ मर गए सौरभ जी, तो साहिब सिंह वर्मा जी ने तुरंत ये सैंक्शन किया। 98 में कांग्रेस की सरकार आ गई, उन्होंने इसको रोक दिया। जैसे ही अटल जी आए, अटल जी ने फिर उसको तुरंत पास किया, पैसा सैंक्शन हुआ। लेकिन क्या हुआ, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, पैसा तो जाता रहा लेकिन पुल नहीं बना। जब मैं 2014 में आया हूँ तो पता चला 33 करोड़ और दे दो तो पुल बन जाएगा 2016 तक। ये दिल्ली सरकार ने कहा आप लोगों से? नहीं, तब राष्ट्रपति शासन था। अच्छा, तब राष्ट्रपति शासन था, और उस समय हमने तत्कालीन एलजी से बात करके और एचएम से बात करके, राजनाथ सिंह जी एचएम थे, और हमने 33 करोड़ रुपया सैंक्शन कराया, ब्रिज बनना शुरू हो गया। और जब ब्रिज बन के तैयार हो गया, मैं तो टूट पड़ा था उसी पे ना, आपको कितनी फ़ोटो दिखा सकता हूँ जहाँ हेलमेट पहन के हम लोग रोज़ उसकी मुआयने कर रहे हैं, साहिब सिंह चौहान होते थे सब हम लोग। जब पुल बन के तैयार होता है तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, अब वो कहते हैं मैं उद्घाटन करूंगा। मैंने कहा बिल्कुल करना चाहिए, आपको मुख्यमंत्री हैं आप, और दूसरे का काम किया हुआ उद्घाटन करने की आपको बहुत शौक है आपको। लेकिन उन्होंने क्या किया, मुझे वहाँ पे आने से मना कर दिया कि आप नहीं आ सकते। तो भाई आधिकारिक रूप से या आधिकारिक रूप से उन्होंने हमें सूचना देने से डिपार्टमेंट को मना कर दिया। पीडब्ल्यू विभाग, डी विभाग की तरफ से आपको न्योता नहीं आया? नहीं आया। स्थानीय सांसदों को तो जाता है, एकदम प्रोटोकॉल है। मैंने अभी केस किया हुआ है, मेरा जो
सांसद का अधिकार है उसके अनुसार हमने संसद में चिट्ठी लिखी हुई है और उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन कार्यक्रम के ठीक एक दिन पहले जब मैंने ये ट्वीट किया कि भाई सिग्नेचर ब्रिज शुरू किया साहिब सिंह वर्मा जी ने, पैसा सैंक्शन किया अटल जी ने, रोका कांग्रेस ने, फिर हम आके बनाए हैं, तब आपकी सरकार नहीं थी, राष्ट्रपति शासन था, अब बनने के बाद आप सांसद को नहीं आने दे रहे हो, कोई बात नहीं, हमें पुल चाहिए, उद्घाटन कोई करे। तो मनीष सिसोदिया ने कोट रिट्वीट किया कि दिल्ली के सभी लोग आमंत्रित हैं और आप भी आमंत्रित हैं। तो मुझे निमंत्रण मिल गया, मैं वहाँ चला गया और जाने के बाद जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा है सौरभ भाई। आई वाज सरप्राइज्ड कि कैसे लोग हो सकते हैं। मनोज तिवारी को मंच पे नहीं जाने दिया गया, हमने कहा सामने कुर्सी लगा दो, यहीं बैठ जाता हूँ। नहीं नहीं आप घुस भी नहीं सकते उस एरिया में। और एक ऐसा संघर्ष कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गुंडों की तरह पुलिस पे अटैक कर रहे हैं, पुलिस भी बड़ी विचित्र स्थिति में। फाइनली मैं कहा कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूँ, चुपचाप खड़ा हूँ। और खड़ा होने पे वो अरविंद केजरीवाल जी के विधायक अमनतुल्ला खान ने हमको, वो जो खड़ा होने का पोजीशन बड़ा अजीब है, 3 फीट के गैप में एक उधर रेलिंग है एक इधर रेलिंग है, मैं उस पर खड़ा था और ही पुश्ड मी, उसने धक्का दिया। धक्का देने के पहले उसने गाली गलौज की, बहुत माँ बहन की गाली। मैं उस दिन सिर्फ वहाँ पे ऐसा कोई बवाल ना हो, क्योंकि लोग तो सब हमारे थे, वहाँ जो मेरे साथ 2,500 लोग आए थे, तो उसमें मैं देखा कि जब ये मुझे धक्का दे दिया तब मैं सोचा ये बहुत बहुत दूसरे स्तर के लोग हैं, और मैं वापस चला आया, वो दुनिया ने देखा। दो सवाल हैं इससे जुड़े हुए मनोज जी। पहला ये कि दुनिया ने उसी कार्यक्रम की एक वीडियो फुटेज देखी जिसमें आप एक पुलिस अधिकारी की गरिमा पकड़े हुए हैं, और लोगों ने कहा कि एक पुलिस वाले से जो ड्यूटी पे है, जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उससे एक चुना हुआ सांसद इस तरह का बर्ताव कैसे कर सकता है? पुलिस वाले ने क्यों नहीं कहा? ये मॉक फोटो था, क्योंकि वो पुलिस आपकी सरकार को रिपोर्ट करती है। नहीं 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 नहीं, वो अतुल ठाकुर बहुत मॉक फोटो था, मतलब वो जो नहीं वो एक बनाते हैं लोग, क्या कहते हैं उसको, फोटोशॉप, फोटोशॉप। हाँ वो ये लोग हमको, ये लोग धक्का दे रहे थे हमको, पुलिस समय वो तो हमें बचा रहा था। अच्छा, तो बचाते समय चूंकि आप फोटो देखेंगे सब, चूंकि वो हमको घेरे में लिए हुए थे लोग कि मनोज तिवारी को कुछ ना हो, तो उनके ऊपर पीछे से धक्का लगता था, तो मैं उनको रोकता था तो वो पीछे से धक्का आता था, वो उसकी फोटो है। लेकिन वीडियो में जब आप उन पुलिस वालों से संवाद कर रहे हैं तब आप मृदुल नहीं रह पाते। हाँ, तब मैं नहीं था। देखिए आप सौरभ जी, आप भी बताओ, मैं पुलिस को बोल रहा था कि आप लोग पुलिस की ड्यूटी नहीं कर रहे हो, मैं सांसद हूँ, मुझे प्रोटोकॉल वाइज कौन रोक सकता है यहाँ खड़ा होने से और ऊपर जाने से? हमारे क्षेत्र में पुल का उद्घाटन हो रहा है, तो पुलिस को तो मेरी रक्षा करनी चाहिए थी, मेरे अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए थी। तब मैंने कहा कि मैं आप लोगों को ये मैं वाच कर रहा हूँ और ये ठीक नहीं है, मैंने कहा था ये बात जी। मैं आज भी कहता हूँ, मैं कभी भी इस सिचुएशन में कहूँगा कि पुलिस कानून की रक्षा करने के लिए है, गुंडों से बचने के लिए मुझे ही हटा दो, ये तो ठीक नहीं था भाई। ठीक बात है। एक सांसद मनोज तिवारी, साथ में प्रदेश अध्यक्ष, एक सांसद प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा पिछले दिनों सुर्खियों में आए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अभी हाल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और फिलहाल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली में कहा, अरविंद केजरीवाल को यदि बहस करनी है, मुकाबला करना ही है, तो वो प्रवेश वर्मा से कर लें। कई राजनीतिक टिप्पणीकारों ने कहा कि अमित शाह ने प्रवेश वर्मा की जगह मनोज तिवारी का नाम क्यों नहीं लिया? भाई प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, भाजपा का प्रदेश में चेहरा है, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का चेहरा है, मुकाबला आप दोनों के बीच होना चाहिए। नहीं, प्रवेश का नाम लेने से प्रॉब्लम किसको हो रहा है? प्रवेश यहाँ गाँव का एक बच्चा है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा जी का सुपुत्र है, हमारा सांसद है, जहाँ कार्यक्रम हो रहा था वो उसके सांसद का क्षेत्र था, तो ये कहा तो बड़ा अच्छा लगा, मैं तो वहाँ मौजूद था।
मतलब उस कहने में मैं भी शामिल हूँ। वेस्ट लोकसभा में कार्यक्रम था और हमारे अध्यक्ष बोलते हैं कि आप प्रवेश वर्मा से जरा बहस करो अरविंद केजरीवाल, तो अरविंद केजरीवाल प्रवेश वर्मा से डर क्यों रहे हैं? और मैं तो खुद कई बार कह चुका हूं कि आओ बहस करो, आते ही नहीं है। मैं तो उनके घर चला गया बहस करने, तो अटैक करा दिया अपने विधायकों से घर पे भी। घर पे आपको वो घटना हर जगह मिल जाएगी। मैंने एक बार 21 लोगों के साथ मिलने की अनुमति मांगी, उस समय सीलिंग का मामला चल रहा था, तो करते करते उन्होंने दे दिया। तो हम लोग 21 लोगों का शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से मिलने उनके घर गया। जब मैं घर गया सौरभ भाई, तो वहाँ 250 लोग पहले से बैठे थे और पूरी मीडिया का जमावड़ा था। अच्छा, तो मैंने कहा कि यार ये तो मैं तो इस मीडिया को मनोज तिवारी ने बुलाया था कि अरविंद केजरीवाल ने बुलाया था। अच्छा, तो पूरा मीडिया मतलब 500 कैमरे लगे हुए हैं। तो मैंने कहा कि भाई अरविंद जी कहाँ हैं? तो बोले वो अंदर है, आप यहीं बैठिए, यहीं आएंगे। अब वहाँ टेबल के एक तरफ करीब 250 लोग उनके, 250 विधायक तो हैं नहीं, कुछ विधायक और कुछ ऐसे कार्यकर्ता कहूँ या गुंडे कहूँ, और हम सभी सांसद थे, सभी हमारे मेयर्स थे, हमारे कुछ जोन चेयरमैन थे, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे, क्योंकि हमको तो इशू पे बात करना था। सौरभ जी आप ये देखिएगा, आपको मिल जाएगा, सारा रिपोर्ट है। और अरविंद केजरीवाल जी आते हैं, नमस्ते नमस्ते। तो हमने कहा, मैंने कहा, मैं तो बड़ा खुश हुआ कि मीडिया है। तो मैंने कहा अरविंद भाई अभी तो शिष्टमंडल मिलने आया है आपसे, तो शिष्टमंडल तो आपसे मिलेगा, जो अपनी बात है आपको बोलेगा। बोले नहीं, जो बात होगी यही होगी, यही होगी। तो वहाँ पे हमारे सब लोग अजीब स्थिति में थे, बोले कोई बात नहीं, यहीं बैठ जाते। जैसे ही बात शुरू हुई और मैंने उनसे दो ही प्रश्न किया, तब तक उनका जो फर्जी डिग्री वाला नहीं है तोमर, जो भी हट गया जितेंद्र तोमर, हाँ, वो खड़ा होके एब्यूजिव लैंग्वेज में बात करने लगा मीडिया के सामने। अच्छा, मीडिया के सामने पूरी उसकी फुटेज है। जब उसने इस तरह से बात करने लगा, मैंने रेत उतार के, ए तू कौन होता है बात करने वाला ऐसे, और जो पूरी लैंग्वेज है, तब मैंने कहा कि थैंक यू अरविंद केजरीवाल जी, थैंक यू, ये माहौल बात करने का नहीं है। और हम लोग वहाँ से निकल गए। जब निकलने लगे तो इन लोगों ने अटैक किया हमारे सांसदों पे, पूरी फुटेज है, उदित राज पे, वो सब लोगों पे हुआ, उदित राज उसमें सांसद थे हमारे। तो ये सारा कुछ जो है इतना भद्दा था कि अब मैं उनसे बात क्या करूं, मैं तो खुद उनसे बहस करना चाहता हूं। मैंने 23 रात झुग्गियों में बिताई। मैंने कहा अरविंद केजरीवाल जी एक बार तो झुग्गी में आ जाओ भाई, एक बहुत बड़ी सच्चाई है, जैसे ही कहते हैं ना पानी फ्री है, तो हम कहते हैं चलो किसी झुग्गी में कि वहां पानी फ्री आपने कैसे दिया। तो हम गए थे एक दिन, तो झुग्गी में एक या दो नल आता है, वो सार्वजनिक नल है, 20 साल पहले भी उससे पानी आता था, आज भी पानी आता है, 20 साल पहले भी फ्री था, आज भी फ्री है, आपने फ्री क्या दिया, यही तो पूछना चाहता हूँ उनसे। नल जो आता है या जो टैंकर का पानी आता है, वो तो 20 साल पहले जो आता था, 15 साल पहले आता था, 10 साल पहले आता था, तब भी वो फ्री में ही मिलता, किसी को पैसा थोड़ी मिलता है। पानी तो बड़ा मुद्दा है, उस पर आएंगे। तो जब मैंने इनको बोला, मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि जब मैंने बोला कि आओ भैया हम बहस करते हैं, तो हमसे तो उन्होंने बहस नहीं किया, बदतमीजी की उल्टे। तब हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि प्रवेश वर्मा से बहस कर लो। हम वहीं उपस्थित थे, हम भी कह रहे हैं कि आप प्रवेश वर्मा से लेकिन आम आदमी पार्टी वाले सबसे ज्यादा आप ही से प्यार करते हैं, होर्डिंग्स में आपका जिक्र, उस पर बात करेंगे। ये सियासत में अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे और दुरुस्त कहा करते थे कि राजनीति में मतभेद होना चाहिए, मन भेद नहीं होना चाहिए। कितनी सुंदर बात थी जी। और आपने खुद बताया कि किस तरह से पुल के उद्घाटन में और फिर मुख्यमंत्री के यहाँ पर पदसलूकी हुई,
एक नेता है तेजिंदर बग्गा, वो ऑन कैमरा ये स्वीकार करते हैं कि मैंने वकील प्रशांत भूषण के यहाँ जाकर और हाथापाई की, विरोध किया, जो कुछ भी किया। और अब वो तेजिंदर बग्गा भारतीय जनता पार्टी के टिकट से कैंडिडेट हैं, ऑन कैमरा बोलते हैं, उनके जो स्लोगन हैं उसमें ये चीज़ आती है, उनके कैंपेन सॉन्ग में आती है। इस पर मनोज तिवारी क्या कहेंगे? हाँ, मुझे अभी हाल ही में पता चला कि तेजिंदर ने ये काम किया था। हाल में पता चला? हाँ, हाल में पता चला मुझे। भाई साहब, आप इतने सोशल मीडिया पे एक्टिव, दिन भर इतने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। नहीं, ये घटना मुझे पता थी। जी ट्विटर पे इतने मशहूर, जी ये मुझे पता था कि प्रशांत जी के साथ किसी व्यक्ति ने ऐसा किया था। तो मुझे पता चला, हाल ही में पता चला कि वो तेजिंदर बग्गा भी थे उसमें। अरे, उन्हीं की सदारत में हुआ है? उन्हीं की हुआ होगा। मैं मुझे पूरी जानकारी नहीं है क्या है, मैं पूछूंगा बग्गा से। कितनी बीजेपी भाई साहब कितना बैकग्राउंड चेक करती, कितने सर्वे होते हैं। हाँ। प्रवक्ता हैं आप, अध्यक्ष हैं वो, आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं दिल्ली से। मैं उसी पे आ रहा हूं। जी, जिन परिस्थितियों में प्रशांत जी के साथ ये हुआ, उन्होंने कहा था कश्मीर में रेफरेंडम हो। जी देखो सौरभ भाई, जो कश्मीर में रेफरेंडम की बात करेगा उसके साथ इस देश का सपूत ऐसा व्यवहार कर सकता है और हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप हिंसा को वैधता मुहैया करा रहे हैं? ना ना ना, हिंसा को हम नहीं बढ़ावा दे रहे। इसी तरह के तर्क फिर आम आदमी पार्टी वाले भी देंगे कि उन्होंने ऐसा कहा इसलिए कर दिया, क्योंकि हिंसा तो इस देश के संविधान में है ही नहीं ना। नहीं। अगर आप कुछ गलत करेंगे हाथापाई, आपको अगर लग रहा है प्रशांत भूषण ने गलत बोला, आप कोर्ट में जाइए, आप उनके खिलाफ FIR कराइए। ये बताइए, भगत सिंह कौन थे? जी, इस देश के महान सपूत और क्रांतिकारी। क्यों शहीद हुए? देश की आज़ादी के, आज़ादी के लिए। जो देश तोड़ने की बात करेगा उसको तो हम कैसे उसको डिफेंड करें? तो उसको उसके चैम्बर में उसके तोड़ दें? नहीं, ये भी ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। गलत किया था, वो व्यवहार ठीक नहीं था, लेकिन विरोध तो करना ठीक था। लगाई तेजिंदर बग्गा की, भाई हाँ, मैंने कहा था कि ऐसे हम बीजेपी के लोग हैं। हाँ। हम बातों से, तर्कों से लड़ेंगे, हमें बोडली हिंसा हम नहीं पसंद करते, हिंसा पसंद नहीं करते। उसके लिए समझाया गया, उसको समझाया गया। चूंकि दिल्ली के चुनाव हैं और मैंने जैसा पहले कहा कि आम आदमी पार्टी वाले मनोज तिवारी मृदुल भैया से बड़ा प्यार करते हैं, होर्डिंगें लगाते हैं, मुख्यमंत्री कौन, अरविंद केजरीवाल वर्सेस कौन। हमने एक आम आदमी पार्टी वाले से पूछा, हमने कहा भैया उनका CM कैंडिडेट है, वो तय कर लेंगे, जब मन होगा तब कर लेंगे, तुम काहे चरस बोए हो। बोले भैया इन्हीं से सीखा। हमने कहा इनसे सीखा मतलब? बोले नहीं, ये लोकसभा चुनाव में बोलते थे ना मोदी वर्सेस कौन, तो हम भी पूछ रहे हैं केजरीवाल वर्सेस कौन। कौन? मनोज तिवारी की अध्यक्षता में चुनाव हो रहा है, इतना डर क्यों लग रहा है भाई? ज्यादातर जगहों पर अध्यक्ष ही CM बनते हैं। नहीं बनते, कहीं भी नहीं भी बनते हैं। हाँ। वो तो बनाना, एक तो चुने हुए विधायक अपना नेता चुनते हैं और पार्टी डिसाइड करती है कि हु विल बी आवर लीडर। वो तो सब में होता है। हमारे मोदी जी, पूरे देश ने मोदी जी को चुन लिया, तो भी आपने देखा होगा संसद में हमने अपना नेता चुना, पर पहले से डिक्लेयर्ड था। डिक्लेयर्ड था जी, कई बार डिक्लेयर नहीं भी होता है तो रणनीति है। जैसे आपने भी पिछली बार किया था किरण बेदी को। हाँ किया था। अच्छा नहीं रहा। कहाँ गड़बड़ हो गई? अब उस समीक्षा में हम लोग जाके निकल चुके हैं, पर जनता, जनता के मन में ये सवाल है कि जब 2015 में भाजपा जनादेश के लिए आई तब किरण बेदी मुख्यमंत्री का चेहरा थी, 2020 में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है मनोज तिवारी के अध्यक्ष के नेतृत्व में, जैसा आपने कहा चुनाव लड़ रहे हैं, तो रणनीति में बदलाव की वजह क्या है? जैसे हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में घूम रहे हैं तो वो पूछते हैं लोग। हमारा एकमात्र लाइन है, मनोज तिवारी की अध्यक्षता और नरेंद्र मोदी जी के कार्य नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी के चेहरे पर, उनके कार्य नेतृत्व में। जी, मोदी जी ने 5 साल में जो जो किया है वो तो बीजेपी की पहचान है ना सौरभ? बिल्कुल भाई? बिल्कुल है। तो हम वही बता रहे हैं, वो हमारे पास बताने को है। मनोज तिवारी अध्यक्ष है और हम चुनाव लड़के, हम बड़ी खुश हो रहे हैं इस सवाल से। बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा, कि उनके अंदर जो ये बेचैनी है, भड़बड़ा रहे हैं वो लोग, भड़बड़ा रहे हैं
कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो इतना तो तय है कि उनको भी पता चल गया बीजेपी की सरकार बनने वाली है, मुख्यमंत्री खाली नहीं बता रहे हैं सब। हाँ। भाई बीजेपी की सरकार बनेगी तभी ना मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ। तो ये जो उनको पहले से आभास हो गया है उस पर हमें मजा आ रहा है कि उन्होंने वो सूंघना अच्छा करते हैं, वो सूंघ चुके हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी वाले सूंघ चुके हैं। हाँ। कि अब बीजेपी का 22 वर्षों का वनवास कटने वाला है, 5 साल में जो इन्होंने झूठ बोला है। हाँ। और जो 2015 में किरण जी को हमने दिया ना, तो सामने झूठ आ गया, एक बड़ा झूठ। क्या झूठ था वो? पानी माफ बिजली हाफ। आज आपसे मैं पूछूं, सौरभ भाई आप भी दिल्ली में NCR में रहते होंगे, एक घर बता दीजिए जिसका बिजली हाफ हो गया। वो तो बोल रहे हैं 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। अरे बिल लाना बेटा, इधर इधर लाओ, आज मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं दे रहे हैं फ्री? लाइए देखिए भैया, क्या है ना, बातें करना। हाँ। बातें करना और काम करना, ये लीजिए, बातें करना। हाँ। जो लोगों को बेवकूफ बना के, देखिए यूनिट कंज्यूम कितना है जी, देख पढ़िए, 49 बिल कितना है, 202 रुपए। कहाँ से आ गया भैया? टोटल अमाउंट पेएबल 238 रुपए। 238 रुपए। हाँ। तो भैया ये कैसे हो गया, अभी तो 200 यूनिट फ्री था भैया। और पिछवा पढ़िए, पिछवा देखिए, पिछवा अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी है। हाँ। इसी में ये मत सोचिए कि पहले का है। हाँ। चिट्ठिया में क्या लिखा है, मेरे प्रिय दिल्ली वासी, क्या पिछले 5 वर्षों में बिजली के क्षेत्र में आपको सुधार नजर आया? आज देश में लगभग सबसे सस्ती बिजली लोगों को मिल रही है। दिल्ली में 200 यूनिट तक की खपत पर तो 0 बिल आता है। ये चिट्ठियों है, अब पिछवा बिलवो है। लेकिन मनोज जी। हाँ। इस बिल के आखिरी में आप देखेंगे, योर इलेक्ट्रिसिटी बिल समरी नेट करेंट डिमांड 202 रुपए 84 पैसे, सब्सिडी 202 रुपए 84 पैसे, उन्होंने यहाँ पे माइनस कर दिया। हाँ, तो 0 बिल क्यों नहीं आया? उसके बाद उन्होंने बाकी चार्जेस जोड़े हैं, टोटल अमाउंट पेएबल 238 रुपए, तो 0 कहाँ हुआ? सौरभ भाई। हाँ। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, ये 0 क्यों नहीं हुआ? 0 क्यों नहीं हुआ? तो ऐसे कई बिल हैं। अरे बिल ही बिल है, ये सब बिल ही बिल है सौरभ भाई। और सुनिए। हाँ, ये आपने हमको ठीक दे दिया, ये हम अरविंद केजरीवाल से पूछेंगे जरूर। भाई साहब बिल्कुल, लल्लन टॉप ये काम कर सकता है, हमारा काम ही है सबसे। हाँ, सवाल पूछना। सवाल पूछना जी। इतना बड़ा झूठ आप देखिए, इसी चिट्ठी में ये लिख रहे हैं कि 200 यूनिट अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, 0 बिल आता है जी। और यहाँ बिलवा जो बिल जो है आपके यहाँ 279 रुपये का है जी। तो भैया ये खेल क्या है? खेल ये है कि आपकी आंखों के सामने है, कुछ लोगों को ये भरमा करके, ये एडजस्टमेंट में जो 228 रुपए है। हाँ। ये क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले कैरी फॉरवर्ड हो रहा हो? अब उन्होंने क्या किया हमको तो नहीं पता। आप हम ये बिजली जो नहीं जमा कर रहा है उसका बिजली कट रही है। अच्छा। हाँ, संजय ठाकुर हैं ये, झुग्गी नंबर J33 में रहते हैं, गैस गोदाम के पास, गांव तोड़ापुर। ये मैं रख लूं एक इसकी फोटो कॉपी? फोटो कॉपी आप ओरिजिनल रखिए, आपकी रैलियों में काम आएगा। तो बिजली मतलब आप कह रहे हैं आजकल इसको ना, इनको वापस कर दूंगा। हाँ। और मैं इनको वापस भी करूंगा, और हमारी सरकार आएगी ना तो हम इनको 0 भी कर देंगे। अच्छा, आप भी फ्री बिजली देंगे? नहीं नहीं, हम इनको जो लोगों का है ना। हाँ। इनका पैसा हम पे करेंगे। अच्छा। हाँ। और आप लोग कुछ ऐसा प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि आप कितने यूनिट फ्री देंगे? वो हमारा संकल्प पत्र बता देगा, संकल्प पत्र बताएगा। मनोज तिवारी जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये बड़े गरीब लोग हैं सौरभ भाई। नहीं, ये मैंने रख लिया है, इसलिए मैं जिनको धोखा दिया गया है। हाँ। उनके साथ तो बीजेपी खड़ी मिलेगी। हाँ। क्योंकि अब तो ये धोखा हो गया उनके साथ, वो अपने परेशानियों में कैसे करेंगे, तो हम चाहे चंदा लगा के ही करें, हम इनकी सहायता करेंगे। अच्छा, नहीं नहीं, चंदा तो आप लगा सकते हैं, वैसे भी सबसे ज्यादा चंदा आपकी पार्टी को मिलता है। अब देश खुश है तो चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड भी खूब मिलते हैं। हाँ,
देखिए हमने तो चंदा का बहुत नियम खत्म कर, 2000 रुपये से ज्यादा कैश नहीं लेते हम लोग। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड भी लाए हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों तल्ख हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है? अरे महाराज ऐसा मत करिए, आप ही की पार्टी लेके आई है, जेटली जी लेके आए हैं, जिसमें किसी को चंदा देना हो तो उसके नाम का खुलासा नहीं होता, बैंक से वो बॉन्ड लिए जा सकते हैं, पार्टी को दिए जा सकते हैं चेक में। हाँ चेक में, चेक में, लेकिन खुलासा नहीं होता कौन दे रहा है। तो लॉ है, जो लॉ होगा उसके अनुसार। इस लॉ पे चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां प्रतिकूल है। तो ये लॉ केवल बीजेपी के लिए तो नहीं होगा? हाँ वो तो सबके लिए होगा, पर बाकी लोग कहते हैं कि सब पैसा तो बीजेपी को ही मिल रहा है। अब उसके लिए क्या करें हम, प्यार है लोगों का, प्यार है लोगों का, क्या करें। अच्छा बट देखो सर, जैसे आपने बिजली की दुरुस्त बात उठाई, मेरा सवाल आपसे ये है मनोज जी कि दिल्ली में, जी भाई सर, आम आदमी पार्टी बिजली पानी और ऐसे कई मुद्दे गिनवा रही है, भाजपा के 3 सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? और आपने जैसा कहा कि संकल्प पत्र आएगा, कई समर्थकों ने ये कहा कि बड़ा लेट हो जाता है, अब देखिए चुनाव शुरू हो गया है जी, अभी तक संकल्प पत्र ही नहीं आया। देखिए कुछ तो बातें हम आपको बता चुके हैं जी, और हम एक और चीज दिखा दें आपको जी, जो हम आपको बिल दिखाए ना। हाँ हाँ, 135 रिडीम के 440 रुपए हैं, 5 रिडीम के 720 रुपए दे रखे, 5 रिडीम के 720 रुपए कहाँ फिरी है, सब धांधलेबाजी है। ये आपके ऑफिस में आके बोल रहे हैं लोग? हाँ हाँ, मैं भेज भी दूंगा। हाँ बिल्कुल भेजिएगा, फॉर दिस दिल्ली, अरविंद केजरीवाल जी से ये सवाल पूछा जाएगा। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ संकल्प पत्र इतना लेट क्यों जाता है, देखिए चुनाव शुरू हो गया, नामांकन हो गया। देखिए हमारे संकल्प के तो एक, हम लोगों ने 5-6 बातें तय कर ली हैं। अच्छा, हर घर में नल से शुद्ध जल जो पिया जा सके, जिसके लिए आरओ की जरूरत ना पड़े, वो जल हम लोग दिल्ली के घर घर में अगले 3.5 वर्षों में पहुंचा। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा पूरे देश को पहुंचाएंगे, तो पूरे देश में दिल्ली भी तो बिल्कुल है। वही मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश में पहुंचाएंगे, दिल्ली में भी आएगा। हाँ, इसी को आजकल अरविंद केजरीवाल भी बोलते हैं। अच्छा, हाँ सेम लाइन जो मैं बोल रहा हूँ, जो मोदी जी इंस्पायर्ड हैं, मोदी जी से इंस्पायर्ड हैं, मगर अब वो एक्सपायर्ड हैं। क्या बात है, वर्ड प्ले हो गया ये तो। नहीं इंस्पायर्ड तो हैं, पर 5 साल जो समय मिला, हाँ, तब उन्होंने कहा था हम 1 साल में ये कर देंगे, हाँ, फिर कहा 17 में कर देंगे, फिर कहा 18 तक कर देंगे, और अब कहते हैं कि हम इसको 2024 तक कर देंगे क्योंकि मोदी जी ने कहा है। अरे भाई इंस्पायर्ड होना अलग बात है और एक्सपायर्ड होना अलग बात है, एक्सपायरी डेट जा चुकी है उनकी। अच्छा, तो पानी आप लोगों का बड़ा मुद्दा है, मैंने प्रदर्शन भी देखे हैं जिसमें आप लोग गंदा पानी बोतलों में भरे हुए हैं। BIS की रिपोर्ट है, हम नहीं भरे हुए हैं, BIS जो कि ISI मार्क देती है सौरभ भाई, सैंपल फेल हुए हैं, सारे सैंपल फेल हुए, एक भी मतलब हर सैंपल में 3, 4, 9, 10, 12, 14 ऐसे कमियां हैं, मतलब एवरी सैंपल फेल। तो हमारा एक पहला सबसे बड़ा मुद्दा है पानी, कि हम शुद्ध जल और घर घर एक एक नल से घर में, और इसी से जुड़ा हुआ आएगा। फिर लोग कहेंगे भाई झुग्गी में तो एक ही नल आता है तो घर में पानी कैसे आएगा, तो हमने शुरू कर दिया है जहां झुग्गी वहीं मकान, 2 कमरे का उनको फ्लैट देंगे, उसमें पानी का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, टॉयलेट तीनों से युक्त उनका 2 कमरे का एक फ्लैट होगा। ये कितने टाइम में हो जाएगा अगर आप सत्ता में आए तो? ये हम लोग 4 साल का समय पहले से मांग मतलब रहे हैं। अगर भाजपा सत्ता में आई तो 2025 तक दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं रहेगी, एक भी झुग्गी नहीं रहेगी। अच्छा, ये जैसे हम अपने बाप दादाओं से बात करते हैं तो वो कहते हैं झुग्गी नहीं रहेगी, नेता कहते थे कि रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, नेता बीत गए, नेहरू इंदिरा सब, वाजपेयी साहब, झुग्गियाँ वहीं की वहीं है सर, और बड़ी बुरी कंडीशन में है। मैं रहा हूँ ना झुग्गियों में, 23 रात रहा हूँ सौरभ भाई। कई लोगों ने कहा कि मनोज तिवारी का एग्रेसिव कैंपेन है ताकि बीजेपी उनको CM के तौर पर प्रोजेक्ट करे, इसलिए ही इज डूइंग एवरीथिंग। नो, देखिए भैया मैं तो प्रदेश अध्यक्ष बन गया, मैं कहाँ सोचा था, गाँव का आदमी हूँ, गाँव में जब शनिवार रविवार हम लोग पहुँचते थे स्कूल से, हम एक छोटे से स्कूल के हॉस्टल में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? हमारा गांव है बिहार में अतरवलिया, वहाँ से कौन सा लगता है, ये रोहतास जिला था, अब कैमूर जिला हो गया। हाँ। तो जो मिर्जापुर से
बिल्कुल जब उधर दाखिल होते हैं। हाँ 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 बस हाँ, बस बस आप मिर्जापुर के आसपास के रहने वाले हैं? नहीं मैं तो बुंदेलखंड से हूँ। हाँ, वही से। आगे जो बांदा वांदा सब जी, बस बांदा से बुंदेलखंड शुरू हो जाता है। बांदा से बुंदेलखंड तो बहुत घूमे हम। हमारा गांव से हमारे स्कूल 4 किलोमीटर होता था, तो हमने स्कूल में बच्चों को लड़कों को आपस में कंट्रीब्यूट करके हमने क्लासरूम को हॉस्टल बना लिया था। अच्छा। हाँ तो हम जब शनिवार रविवार गांव पहुंचते थे तो माई कहती थी कि बाबू ये भैंस बहुत दिन से खुलल नहीं खे, 4-5 दिन से तनिक घुमा ले आओ। तो हम भैंस भी चराते थे, हम अपनी गाय भैंसों को घुमा ले आते थे, एकदम माटी का लाल एकदम वही करते थे भैया। तो हम यहाँ आ सकते हैं, हम एक सुपरस्टार बन सकते हैं। सुपरस्टारडम तो लोगों को दिखता है। नहीं तो आप भोजपुरी सिनेमा के? हाँ, भगवान की बड़ी कृपा है भैया, हम वो भी सब मेरे 4800 गाना गा चुका हूँ। 4800 से ज्यादा गाना गा चुका हूँ, 4800 से ज्यादा। और ये कई भाषाओं में होगा? भोजपुरी और भोजपुरी में है, दो में ज्यादा, एक बांग्ला में है। अच्छा। बांग्ला में 2-3 गीत हैं और एक दो गाने वो तमिल का मैंने डब किया है। अच्छा। हाँ इंटरेस्टिंग। तो मैं तो अपनी लोक संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ा हूँ, तो मैं अध्यक्ष बन गया हूँ, यही मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। और मेरा जिम्मेदारी है कि मैं बीजेपी की सरकार बना के भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करूँ, बाकी पार्टी जिसको जिसको मन करेगा बिठा दे। पार्टी का मन करे तो मनोज तिवारी सीएम हो जाए, पार्टी का जो मन करे। अरे मन करेगा तो बनेंगे ना, हम पार्टी कहेगी तो बनेंगे ना। अब हम अगर ये कहते हैं कि नई नियम नहीं बनेंगे तो हम नाटक कर रहे हैं, हम नाटक साहब कोई बढ़िया है। हाँ कौन नहीं चाहता है कि वो प्रदेश का सीएम बने, लेकिन हाँ मैं एक कार्यकर्ता की तरह, पार्टी जो डिसाइड करेगी वही करना है हमें। पहला उद्देश्य हमारा भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करना। कई लोग कह रहे थे टिकट वितरण में भी खूब चली है अध्यक्ष जी की। मेरी? हाँ टिकट, भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है, यहाँ यही कहना पड़ता है हाँ मेरी चली है। हाँ क्योंकि कहेंगे नहीं चली तो लोग कहेंगे अध्यक्ष जी की नहीं चल रही। चली तो बिल्कुल चली है, हर सीट पे हमारी चली है। अच्छा। और मैंने जो चाहा है वही हुआ है। लेकिन जिनको आपने बोला है कि भाई इस सीट पे मेरी नहीं चली, वो इंटरव्यू देख के कहेंगे कि भाई साहब ये तो आप, वो अंदरूनी मामला है। एक चीज बताइए मनोज जी, आपने 4800 गानों का जिक्र किया, आम आदमी पार्टी ने आपका एक गाना आपने गाया है बेबी बियर पीके नाचे ऐसा, ये हमारे न्यूज रूम में भी गाना बड़ा सुना जाता है, तो उस गाने को लेकर आप पे कटाक्ष किया। कभी मनोज तिवारी को ऐसा लगता है कि जब मैं सिंगर था तो मैंने कई तरह के गाने गाए और अब मैं राजनेता हो गया हूँ तो वो गाने मेरे करियर में बाधा बन रहे हैं, या आपको लगता है कि वो अलग बॉडी ऑफ वर्क है, ये अलग बॉडी ऑफ वर्क है? नहीं, उन्होंने तो ये रिंकिया के पापा का मजाक उड़ाया है ना। हाँ नहीं नहीं, और जो सोशल मीडिया पे वीडियो घुमा रहे हैं ना कहीं, तो उसमें ये वाला भी गाना चलता है बेबी बियर पी के, और रिंकिया के पापा तो चलता ही है। हाँ ये मैं नहीं सुना था। अच्छा। रिंकिया के पापा का उन्होंने मजाक उड़ाया वो मैंने सुना था, मैंने देखा था। हाँ। और मैंने अरविंद केजरीवाल जी को सुना भी था ये कहते हुए, अरे वो तो रिंकिया के पापा गाते हैं। तो उस पे तो मैंने देखा था, इसलिए मैं उनको, अरविंद केजरीवाल जी को ये ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि मैं रिंकिया के पापा हूँ अरविंद केजरीवाल। रिंकिया के पापा मतलब बेटी का पापा, और मुझे गर्व है बेटी का पापा होने का। मैं एक सिंगल डॉटर का पिता भी हूँ। तो आपने जो रिंकिया के पापा की खुशी को मजाक बनाया ना, इसमें आपने दो गलती कर दी, एक तो बेटी के पिता का मजाक उड़ाया और दूसरा आपने भोजपुरी गानों का संस्कृति का मजाक उड़ाया। इसका आपको 8 फरवरी को जवाब मिलेगा, बड़ा अच्छा से मिलेगा। और मैं तो 4800 गाना गाया हूँ, मुझे तो खुद ही याद नहीं मैं क्या क्या गाया हूँ, लेकिन हाँ मैंने सटायर बहुत गाए हैं, व्यंग बहुत गाए हैं। केजरीवाल जी के लिए भी कोई व्यंग गाया है? नहीं नहीं, व्यंग बहुत सारे लिखे जाते थे जी। तो जैसे बेबी बियर पी के भी एक व्यंग ही है। अच्छा। हाँ तो मुझे लगता है, और लोग उसको बोल देते हैं कि साहब मनोज तिवारी स्त्री विरोधी हैं। आप पूरा गाना सुनेंगे ना। हाँ। तब पता चलेगा मैं क्या गा रहा हूँ। मैं तो यही, मैंने एक व्यंग किया कि भाई मैंने
शराब पीना, बियर पीना, इसका विरोध किया है। अच्छा, मैंने एक गाना गाया था ना कि वो एक गाना था कि अरे ताड़ी जान पिया बबुआ, अरे होई होई बड़ी, कुछ लान गाना ऐसे पूर्वी राग में गाया था मैंने। अच्छा, राग पूर्वी में था। हाँ, कि पाउच पियला से अरे डूब जाई कुल के इजतिया, पाउच पियला से। इसको तो आपके नीतीश जी शराबबंदी का गाना बना सकते हैं। हाँ, किया, मेरे साथ ऐसा हुआ है। हाँ, मैंने जो जो इशू उठाया है गाने में उसको आगे कुछ सरकारों ने उसको मान लिया। अच्छा, जैसे मैं ये गाना गाया था ना कि बनी ना इजतिया बाबू, अरे हंसी है संगतिया पाउच पियला से, अरे डूब जाई कुल के इजतिया। पाउच समझते ना, गांव में बोलते हैं पाउच शराब को, देसी शराब का पाउच आता है। जी, तो वो नीतीश जी ने किया। मैंने गाना गाया कि अगिया दहेज के कैसन तेज हो गई, बेटी जन्मावल परहेज हो गई, ढेर नइखे दिन अब तो उहो जुग आई, शादी बदे बबुआ कंपटीशन देवे जाई। तो मुझे क्या पता था एक दिन नरेंद्र मोदी आएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू कर देंगे। मैंने गाना गाया था कि अरे गंगा मैया के समैया से बचा लए भैया, भारत के कल्याण चाहे तो नरेंद्र मोदी जी ने वो गंगा जी का नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया, जो कि अपनी डेडलाइन से बहुत पीछे चल रहा है। हाँ, देखिए सरकार ने कोशिश की है, सरकार की तय की गई डेडलाइन से पीछे चल रहा। हाँ, ठीक है ठीक है, देखो पर कर रहे हैं, कर तो रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए मनोज जी, मैं कुछ पुरानी फुटेज देख रहा था, जैसे, और उस पुरानी फुटेज में आप भाषण दे रहे थे। अच्छा, गाने भी थे, बस बैकग्राउंड बदली हुई थी। अभी भाजपा का झंडा लगा होता है तब साइकिल बनी हुई थी। अच्छा, हाँ, तो मैं लड़ा था ना चुनाव समाजवादी पार्टी से। कई बार ये सवाल पूछा गया, कई बार आप कह देते हैं कि साहब ऐसा हुआ वैसा, एक बार बता ही दीजिए ना लोगों को कि अंतर कथा क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अमर सिंह चाहते थे कि हरिशंकर तिवारी ना जीत जाएं, इसलिए एक ब्राह्मण कैंडिडेट दे दिया गया। कोई कहता है कि योगी का चुनाव दुरुस्त करने के लिए, कोई कुछ कहता है, क्या है कहानी? समर्थकों को भी एक बार के लिए मृदुल भैया की तरफ से दलील मिल जाए साहब कि हुआ क्या। नहीं, मुझे तो ये नहीं पता कि कारण क्या था, लेकिन मैं चुनाव लड़ा था। कौन आया था आपके पास? अमर सिंह जी आए थे। क्या प्रस्ताव लेकर आए थे? उन्होंने कहा कि तुमको चुनाव लड़ना है समाजवादी पार्टी से। तो हम और अमिताभ बच्चन उस समय फिल्म कर रहे थे गंगा गंगा, तो उसी सेट पे वो अमिताभ बच्चन जी के बड़े प्रिय होते थे जी, और हम लोग भी जानते थे कि अमिताभ बच्चन जिनकी बहुत मानते हैं। तो भैया हम नाना करते उनकी बात मान बैठे। आपकी अपनी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही होगी? थोड़ी तो थी, क्योंकि देखो जब मैं शुरू से गाना गा रहा था गंगा को बचाओ, ये दारू बंद करो, ये नशा छोड़ो, सिर्फ अच्छे अच्छे गाने बता रहे हैं अपने सामाजिक संदेश वाले। नहीं, कोई भी गाना निकाल लीजिए। हाँ, सौरभ भाई, बेबी बियर पीके। हाँ, मैं ये इस पूरा गाना सुनेंगे ना। हाँ, तो मैं यही कहता हूँ कि लड़कियों को बियर से दूर रहना चाहिए। और लड़कों को? लड़कों को भी, पर उसमें तो आप बेबी को ही दूर रहने की हिदायत दे रहे हैं। लड़कों को तो पाउच पियला से बनी नहीं कुल के इज्जतिया, ये तो लड़कों के लिए। लड़कों को देसी शराब से दूर रहना चाहिए, लड़कियों को बियर से। नहीं, मैंने एक समय समय पे, हम तो सब गाना नहीं लिखते थे। वैसे मैं उसका वीडियो देख रहा था, तो आपके हाथ में जो बोतल थी वो बियर की थी भी नहीं, वो वाइन की बोतल थी। अब प्रोड्यूसर क्या रख दिया होगा, हम क्या करें, आप खुद ही। चलिए, अमर सिंह पहुंचे आपके पास, फिर क्या हुआ? तो अमर सिंह जी ने कहा चुनाव लड़ो, तो मैं एक बड़ी असमंजस की स्थिति में, क्योंकि मेरा मन नहीं था, क्योंकि मैं एबीवीपी का सदस्य था 1991-92 से। आप विद्यार्थी परिषद छोड़ के सपा में चले गए? मैं 91-92 में
मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में देवानंद सिंह जी को अध्यक्ष बनाया, सच्चिदानंद त्रिपाठी को अध्यक्ष बनाया, तब मैं वहाँ स्टूडेंट लीडर, मतलब स्टूडेंट लीडर नहीं था, मैं तो क्रिकेट टीम का कैप्टन था। हाँ। तो तब भी स्टार थे। अच्छा, आप बीएचयू के दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं? अरे भैया, मैं तब भी स्टार था, मैं जिधर कहता था सारी हमारी गर्ल स्विंग उधर ही वोट करती थी। क्या बात है, अरे मैं जन्मजात स्टार हूँ भैया, मैं तो भगवान की बड़ी कृपा है मेरे, मैंने गरीबी में ड्राइविंग भी की। शाह और मोदी जी भी समझ लिए, इसीलिए आपको अध्यक्ष बना दिए, दावेदार बहुत थे। मैं ड्राइविंग करके पढ़ाई पढ़ा हूँ सौरभ जी, मैं पार्ट टाइम ड्राइविंग होता, ड्राइवर होता था, इसलिए मैं बोलता हूँ काम छोटा नहीं होता भैया, बिल्कुल नहीं होता। तो मेरी पूरी, आपने देखे पीछे संत रविदास की मूर्ति लगा रखी है, संत रविदास का जीवन हमें यही बताता है। भगवान होंगे, वाल्मीकि जी होंगे, हम एक, हमको सामाजिक समरसता, हम अब्दुल हमीद के फैन हैं, हम अब्दुल हमीद के गाने गाए हैं। अच्छा, तब भैया हमारे जितने गाने सुनेंगे आप, हाँ, बच्चा बच्चा जहाँ पूरा हिंदुस्तान चाहता, हमारा देश के हर हिंदू मुसलमान चाहता, सिख ईसाई हो के चाहे हो पठान चाहता, खाली करगिल नहीं पूरा पाकिस्तान चाहता। भैया मेरे तो परिचय मिल जाएंगे मेरे गानों में, थैंक यू। अच्छा, एक बात बताइए मनोज जी, ये आपने बढ़िया गाना सुनाया, जैसे पूरा पाकिस्तान मिल गया फर्ज करिए जी, तो पाकिस्तान में तो ज़्यादातर मुस्लिम रहते हैं, और जो हिंदुस्तान में मुस्लिम रहते हैं उसमें एक बड़ा तबका है जो CAA के खिलाफ है, प्रोटेस्ट कर रहा है, इसी दिल्ली में शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहा है, तो मनोज भैया की इतनी अच्छी सोच है तो जाके शाहीन बाग में समझा दें कि भाई आप लोग क्यों हो CAA पे, क्यों? आपने वीडियो भी रिलीज़ किया, एक रील मैंने अपील किया। हाँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपील नहीं किया। जो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है, कुछ लोग शाहीन बाग में दिल्ली को बंधक बनाए हुए हैं, वहाँ पैसा दे दे करके महिलाओं बच्चों को आगे किया जा रहा है कि पुलिस कार्रवाई न करे, और दिल्ली का मुख्यमंत्री चुप है। और जब मनीष सिसोदिया बोलते हैं तो बोलते हैं कि मैं शाहीन बाग के साथ खड़ा हूँ, और शाहीन बाग बोलती है हमें जिन्ना वाली आज़ादी चाहिए, शाहीन बाग बोलती है, शाहीन बाग नहीं, माफ़ करिए मुझे, शाहीन बाग के सब लोग उसमें नहीं हैं, सब बाहर बाहर से भाड़े के लोग आए गए वहाँ। कहाँ बाहर से, कहाँ से? बहुत जगह से। अब वो पूछिए इन लोगों से, कांग्रेस से पूछिए। तो वहाँ नारा लग रहा है कि हम लड़के लेंगे आज़ादी, जिन्ना वाली आज़ादी, जिन्ना वाली आज़ादी मतलब देश को बांटने वाली, अरे जिन्ना तो पाकिस्तान लेके चले गए, अब फिर से क्या लेना चाहते हो? और आम आदमी पार्टी के डिप्टी CM कहते हैं हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं, शाहीन बाग में कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को मार डालो, ये कहते हैं हम शाहीन बाग बोलते हैं। हाँ, बच्ची का नारा लगा, बच्ची का वीडियो वायरल, मार डालो। हाँ, ये तो बड़ा खतरनाक है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी अमित शाह को मार डालो, ये वहां के बच्चों से बुलवाया जा रहा है। इस पे तो पुलिस में केस होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई इतनी घृणास्पद बातें कैसे कह सकता है भाई साहब? ये सारी चीजों पे एक एक चीज की रिकॉर्डिंग हो रही है, सब पुलिस ने कोई कार्रवाई की, सब हो रहा है, बच्चों को आगे करके हो रहा है, पुलिस ने कोई कार्रवाई की? अभी समय तो बच्चे हैं, बच्चों का तो दोष नहीं है, उनके माता पिता पर कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, ना वो जरूर होगी। हाँ, वो कोई बचेगा नहीं। अच्छा, जैसे मनोज जी आपने कहा कि नोट वहां नोट बांट के समस्या, लेकिन जो नोट बांटने के वीडियो है, कई वेबसाइट्स हैं, इंडिया टुडे, ऑल्ट न्यूज, इस तरह कई वेबसाइट्स हैं फैक्ट चेक की, उन्होंने जब फैक्ट चेक किए तो उन्होंने कहा कि ये तो शाहीन बाग का वीडियो ही नहीं है। किसने? इंडिया टुडे की जो फैक्ट चेक टीम है, ऑल्ट न्यूज की टीम, ऐसे कई जो फैक्ट चेकर्स हैं, उन्होंने जो वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं इस मैसेज के साथ कि शाहीन बाग में 500 रुपए बांट के प्रदर्शन पे बिठाया जा रहा है, उन्होंने वीडियो को फैक्ट चेक किया और कहा कि ये शाहीन बाग की वीडियो नहीं है। ये तो सबको पता चल गया है, जो लोग जिन्होंने स्टिंग किया है जी। कल दीपक चौरसिया को वहां गिरा के मारा गया। अच्छा, कल दीपक चौरसिया जो पत्रकार हैं उनको वहाँ पटक पटक के मारा गया है। तो गलत है, आप पत्रकारों को अपना काम नहीं करने देंगे। लेकिन मनीष सिसोदिया कहते हैं हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं, समस्या इस बात की है सौरभ भाई। मनीष सिसोदिया का मैंने बयान पढ़ा तो वो कह रहे थे कि ये JNU में या शाहीन बाग में जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये देश के डेमोक्रेटिक सेटअप में है, उनका संवैधानिक अधिकार है और मैं उनके साथ हूँ।
हाँ, तो डेमोक्रेटिक यही है कि एक पत्रकार को गिरा के मारा जाए? बिल्कुल भी नहीं है। हिंसा किसी की भी हो, किसी भी किंतु परंतु के साथ कभी भी जायज नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, हिंसा को सपोर्ट मत करो। लेकिन उन्होंने किया, उन्होंने हिंदुओं की कबर खुदेगी नारा लग रहा है वहां पे। आप शाहीन बाग के साथ खड़े हो, कबर खुदेगी या हिंदुत्व की कबर खुदेगी? हिंदुओं की कबर खुदेगी। अच्छा, कई लोगों से मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये तो बड़ा ऑब्जेक्शनेबल नारा है। जैसे एक बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल एंटी सीए प्रोटेस्ट में मुझे पोस्टर दिखा था जिसमें कुछ लोग स्वस्तिक का निशान लिए हुए हैं जी, और उसके ऊपर अंग्रेजी में गाली लिखी हुई है। स्वस्तिक तो इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, आप उसके लिए अपशब्द लिखेंगे, फिर आप कहेंगे कि नहीं साहब ये वो स्वस्तिक नहीं, ये नाजी वाला स्वस्तिक है। अब देखिए जो भी चीज़ें हैं ये तो बहस बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन अगर आप आम आदमी पार्टी का डिप्टी सीएम और अरविंद केजरीवाल भी उसको इनकार नहीं कर रहे हैं, अगर आप शाहीन बाग के साथ खड़े हैं और शाहीन बाग ये नारा लगा रही है और शाहीन बाग कहती है कश्मीर को आज़ाद करो। अच्छा, ये नारे भी लगे हैं? हाँ, पोस्टर लेके खड़े हैं। यही तो सबसे बड़ी समझ, हम प्रोटेस्ट के कहाँ विरोधी हैं। फिर भी देखिए आपने फिर भी अपील जारी की? फिर भी हमने अपील जारी की और फिर भी लाखों लोगों को परेशानियां हो रही हैं और परेशानियां सुनने के बाद हिल जाता है मन। कार्रवाई क्यों नहीं कर रही दिल्ली पुलिस? क्योंकि बच्चे और महिलाएं आगे हैं, तो गतिरोध कैसे टूटेगा? ये एक बड़ी कठिन परिस्थिति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बच्चों और महिलाओं के लिए वो क्रूरता पे नहीं जा सकता, वो सबको पता है, और इस भावना का वहाँ लाभ उठाया जा रहा है। आपने बच्चों का जिक्र किया, मुझे जामिया और जेएनयू के बच्चे याद आ गए जिन पे लाठियाँ चली। ये बच्चे मतलब हम कह रहे हैं जो 12 साल से कम के। अच्छा, बड़े बच्चों पे चल सकती है? अरे जो बड़ा हो गया, हाँ, उसको तो बड़ा के रूप में माना जाएगा ना। अगर बड़ा हो के आप बस जलाओगे, आप न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जा करके घर तोड़ोगे, तो फिर आप भी टूटोगे। कई लोगों ने कहा कि जो दंगाई है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए, और जैसा योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा कि हम एक एक पैसा वसूलेंगे, लेकिन दंगाइयों के फेर में निर्दोषों को ना मारा जाए। लाइब्रेरी में कई वीडियोज आए जिसमें लाइब्रेरी में घुस के पुलिस कार्रवाई कर रही है। नहीं नहीं, लाइब्रेरी से सिर्फ पुलिस ने उपद्रवियों को पकड़ा जो जामिया मिलिया का आड़ लेके बचने की कोशिश कर रहे थे, उनको हाथ उठा के निकाला। जो लाइब्रेरी कई लड़कियों के इस तरह के अकाउंट आए हैं कि पुलिस ब्रूटेलिटी से मार रही थी, कई कई लड़कियों ने अपने जो जामिया के स्टूडेंट्स हैं ऐसे बयान दिए हैं। वो वही लोग हैं जो उस उपद्रव के समर्थक हैं। वो जो स्प्रेडिंग फेक न्यूज़। अच्छा, एक उपद्रव जेएनयू में हुआ तो उसके वीडियो खूब वायरल हुए, तो जेएनयू का घटनाक्रम सामने आता है कि दोपहर के समय विद्यार्थी परिषद के जो वॉलंटियर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको टारगेट किया गया, और फिर शाम को एक बाहर से भीड़ आती है जो हॉस्टलों में घुस के जो अपोजिशन के लोग हैं उनको मारती है। दिल्ली पुलिस उसमें कार्रवाई भी कर रही है, कई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का भी उसमें नाम आया है, उस पर आप क्या कहेंगे मनोज जी? हम हिंसा के बिल्कुल विरुद्ध हैं। हम कभी भी हिंसा को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए पुलिस उसमें जो भी कार्रवाई कर रही है, कोई दबाव नहीं है पुलिस? ना ना ना, उसको करना चाहिए। कई लोग बोले जब विरोधी आपके कहते हैं कि ये पुलिस तो अमित शाह को रिपोर्ट करती है, मामले को गोलमोल कर देंगे, का नाम कैसे आ गया उसमें? क्योंकि सामने साक्ष्य थे बिल्कुल प्रकट। नहीं तो जो भी होगा उस केस की, देखिए भारतीय जनता पार्टी केस की जांच में विश्वास करती है। नहीं, जांच तो होनी चाहिए, जांच तो होनी चाहिए, बिना जांच के नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग ने आपके मॉडल टाउन के कैंडिडेट कपिल मिश्रा के ट्वीट की जांच की, उसे आपत्तिजनक पाया, ट्विटर को लिखा कि इस ट्वीट को हटाया जाए, और बीती शाम यानी कि 24 जनवरी की शाम चुनाव आयोग ने आपके कैंडिडेट के खिलाफ FIR करवाई है इलेक्शन कमीशन ने, योर टेक? देखिए हम चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग को सारी चीज़ों पे एक्शन लेना चाहिए। अगर एक तरफा अगर वो एक भेदभाव कर रहा है, भेदभाव चुनाव कर रहे हैं, करेंगे, ये भेदभाव ही है। मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भेदभाव कर रहा है भाजपा के खिलाफ। नहीं, कर रहा है, हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भेदभाव है कपिल मिश्रा वाला एक्शन। हाँ,
ये भेदभाव ही लग रहा है मुझे, इसलिए क्योंकि एक तरफ तो नारा लग रहा है हिंदुओं की कब्र खुदेगी, वहां पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, जो भीड़ वो नारे लगा रही है हाँ। उन पे कार्रवाई हो, लेकिन वो दिल्ली विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। नहीं लड़ रहे हैं तो क्या इस चुनाव में हिंदुओं की कब्र खोदने का नारा लगाएंगे? किसी की भी खबर नहीं। आचार संहिता तो सबके लिए लागू है ना भैया, ठीक कह रहे हैं। तो वहां क्यों नहीं कार्रवाई हो रही चुनाव आयोग की? वहां क्यों नहीं चुनाव आयोग ने अभी तभी उसको दिल्ली खाली पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही। दिल्ली पुलिस तो अमित शाह के अंडर में आती है। इस समय तो चुनाव आयोग के अंडर में है ना भाई साहब। हाँ, लेकिन ये जो नारे हैं ये तो आचार संहिता के पहले के लगे गए हैं। नहीं, अभी भी लग रहे, रोज लग रहे भैया, रोज लग रहे। कार्रवाई होनी चाहिए। जो हिंदुओं की कब्र खुदेगी कहे, ये कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ रहा है, इसमें आईपीसी का सेक्शन है, होनी चाहिए, होनी चाहिए। कपिल मिश्रा ने जो कहा उस पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई कर दी, आपके हिसाब से कपिल मिश्रा ने ठीक कहा? नहीं, चुनाव मैंने सुना ही नहीं, उसने कहा कि क्या कहा है भाई साहब? मैं सच बताऊं, अभी एग्जैक्ट शायद उन्होंने कहा ये चुनाव भारत पाकिस्तान का चुनाव होगा। 8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। अब इसकी तो जांच करनी चाहिए, तो जब जो होगा जो बाकायदा ट्वीट है वीडियो में वो कह रहे हैं हाँ मैंने कहा है और मैं अपनी बात पे कायम हूँ। मनोज तिवारी की बात क्या है इस बात पे? नहीं, अब उसकी जांच होने दीजिए, हम अभी कुछ नहीं बता सकते। मैं आपसे जांच करने को तो कह नहीं रहा हूँ, मैं तो आपकी राय जानना चाह रहा हूँ भाई। देश जानना चाह रहा है ना कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का क्या कहना है? नहीं, मेरा ये मानना है, क्या 8 फरवरी को भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा दिल्ली में, या दिल्ली के वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अलग अलग राजनीतिक विकल्पों पर? दिल्ली में तो दिल्ली को जो धोखा दिया गया है 5 साल में, उसको दूर करने के लिए, दिल्ली के खुशहाली के लिए चुनाव होगा। वो भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा? नहीं, उनका कहने का मतलब कुछ और है, शायद हो सकता है कि वो कुछ और। बिल्कुल नहीं है, उन्होंने कहा मेरा यही मतलब है, उन्होंने चुनाव आयोग को भी यही कहा, आई स्टैंड बाय माई ट्वीट। क्या है देखिए, इसकी बहस बहुत दूर तक जाती है, CAA का विरोध। अब CAA का मतलब है कि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से 2014 तक आए, प्रताड़ित होकर आए हिंदुओं, सिखों, धार्मिक अल्पसंख्यक को हम नागरिकता दिए हैं। अब कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि भाई फिर तुम मुसलमानों को भी दो जो पाकिस्तान के हैं, तो पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए कानून है, फिर मुसलमान कैसे, वहाँ तो मुसलमानों के नाम पे ही देश है, उनको क्यों लाना चाहते हैं? अब ये लेकिन वहाँ पर भी कई कम्युनिटीज़ हैं, जैसे अहमदिया हैं जो मुस्लिमों में ही एक कम्युनिटी है, जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं, और भारत ने तो अदनान सामी समेत कई पाकिस्तानी तो अप्लीकेशन दे ना, कहाँ बंद हुआ है? हाँ, अभी लेकिन आपने जैसे मनोज जी कहा कि धार्मिक प्रताड़ना, मैंने वो एक्ट पढ़ा है, उसमें कहीं भी रिलीजियस प्रोसिक्यूशन शब्द नहीं है, धार्मिक प्रताड़ना शब्द है ही नहीं उस एक्ट में। तो धार्मिक प्रताड़ना उसी को होगी ना जिस धर्म के लोगों को वहाँ अधिकार नहीं है, वो इस्लामिक देश है। जैसे श्रीलंका में कई लोग प्रताड़ित होकर भारत आए हैं 80-90 के दशक में, जो हिंदू हैं, उनको भी नागरिकता दे देते आप फिर? नहीं, उन पे वो कहाँ जाएंगे? उन पे भी बातचीत चल रही है भैया, ये जो अच्छा अभी CAA में एक और आप कह रहे हैं जुड़ेगा? CAA कोई पहली बार थोड़ी आया है। हाँ, CAA 1971 में भी आया है सौरभ जी। जी, तब भी वहाँ इंदिरा जी ने कुछ लोगों को दिया था। हाँ, तो ये ऐसा नहीं कि पहली बार दिया, बवाल पहली बार हो रहा है। बवाल जब मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं लोग तो सड़क पे उतर आते हैं। मुख्यता यही है कि जिनको देश की जनता ने हरा दिया, जनादेश से नकार दिया, वो नरेंद्र मोदी का विरोध करने का एक अजीब सा नुस्खा खोज लिए हैं, जिसमें रोज वो उनकी बदनाम भद सही करें। आप एक काम करिए मनोज जी, जी इस चुनाव के मौके पे आप एक क्रोनोलॉजी देश को अमित शाह ने समझाई थी कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले CAA आएगा, फिर NRC आएगा, फिर ये आएगा। आप बता दीजिए क्रोनोलॉजी को कि एक बड़ा तबका है जो CAA का इस आधार पर विरोध कर रहा है, वो कह रहे हैं CAA से समस्या नहीं है क्योंकि वो तो भारत के नागरिकों के बाहर के लिए है, लेकिन इसके बाद आप NRC लाओगे, जो लोग NRC में छूट जाएंगे यदि वो मुस्लिम होंगे तो वो कैसे साबित करेंगे, यदि वो नॉन मुस्लिम होंगे तो उनको CAA के तहत प्रोटेक्शन मिल जाएगा, ऐसा तर्क आ रहा है। NRC को लेकर बड़ी आशंकाएं हैं, क्या है क्रोनोलॉजी? अभी तो NRC है ही नहीं। हाँ, ये CAA आएगा, CAA और NRC जो एक साथ नाम लेते हैं, यहीं से भ्रम फैला रहे हैं। अमित शाह जी लेते हैं,
नहीं, ऑन रिकॉर्ड देश की संसद लोकसभा जहां के आप भी माननीय सदस्य हैं, संसद के पटल पर देश के गृह मंत्री ने ये बात कही है। हाँ, वो कही, मैं बैठा था जी, लेकिन उन्होंने कहा कि एनआरसी आएगी। कब आएगी? अब जब इतना कंफ्यूजन है तो बिना समझाए नहीं आएगी, बिना समझे समझाए नहीं आएगी। मतलब देश के लोगों से बात होगी, हाँ, उसके बाद एनआरसी, उसके बाद ही आएगी। और जैसा कि राजनाथ जी ने कहा कि कोई चिमटे से भी इस देश के मुसलमान को नहीं छू सकता, सबको आश्वस्ती रहेगी। बिल्कुल है, यही लाइन सही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने रामलीला मैदान में कहा, हाँ, कि भाई एनआरसी का कोई ड्राफ्ट बना ही नहीं, परेशान क्यों हो, झूठ 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 झूठ। लेकिन फिर उसका फैक्ट चेक भी हुआ और फिर कई सारे बयान आए सामने। नहीं, असम में जो एनआरसी हुई है वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, हुई है। तो मैं देश के सभी मुस्लिम समाज को या और भी जो लोग भ्रमित होंगे उनको आज लल्लन टॉप में बोलना चाहता हूँ कि एनआरसी आने की बात जरूर हुई है, लेकिन एनआरसी का कोई अभी ड्राफ्ट नहीं बना है, एनआरसी की कोई अभी भूमिका नहीं बनी है। आएगी, थोड़ी देर बाद आएगी। अब जब इतना लोगों में कंफ्यूजन फैला दिया गया तो मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास से चलने वाले हैं। ये नारा तो बड़ा मानीखेज है जो उन्होंने कहा, सबका विश्वास। हम अभी, लेकिन फिर कपिल मिश्रा का ट्वीट है कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा 8 फरवरी को। नहीं, कौन है पाकिस्तान इस देश के अंदर? अभी कपिल से बात करेंगे हम लोग कि उन्होंने कैसे किया, मैं उनको बात करता हूँ। ये मनोज जी पिछले 72 घंटे से पब्लिक डोमेन में है, चुनाव आयोग कार्रवाई कर चुका है, आप कह रहे हैं जानकारी नहीं या बात करेंगे। हमको लगता है ना कि कपिल ने ऐसी लाइन इसीलिए लिख दी होगी कि भैया हमारे हिंदुओं की कब्र खुदने का नारा लग रहा है, दोनों पे ध्यान दो। नहीं तो वो साफ साफ कहें कि जो इस देश में हिंदुओं की कब्र खोदने की बात करेगा उसका प्रतिकार होगा। लेकिन जब ये कहा जाता है कि 8 फरवरी को भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ पाकिस्तान कौन है इस देश में? अब ये तो बड़ा बहस है कि वैसे ये कपिल मिश्रा को ये ट्वीट करना चाहिए था, चुनाव आयोग को लगता है कि नहीं करना चाहिए था? हाँ तो ठीक है, चुनाव आयोग क्यों मान रहे हैं? मनोज जी को क्या लगता है? हम चुनाव आयोग क्यों मान रहे हैं? आपको भी लगता है? आप तो खुल के बात करने वाले व्यक्ति हैं, साफ कहिए ना कि गलत ट्वीट था। नहीं, मेरा देखिए, मेरा ये मैं बोल आपको बोल दिया, हाँ, कि वो ट्वीट हमारा मंत्र नहीं है। सबका विश्वास कह रहे हैं भाई प्रधानमंत्री। हमारा मंत्र दिल्ली की खुशहाली है, जिसमें दिल्ली के सब लोग शामिल, दिल्ली होंगे। के सब लोग शामिल होंगे, हाँ, शाहीन बाग के लोग भी, शाहीन बाग के लोग भी शामिल हैं, हाँ। लेकिन वो तो शाहीन बाग को मिनी पाकिस्तान कह रहे हैं। जिस तरह का नारा लग रहा है कोई भी ऐसा ही कहेगा, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पूरी कम्युनिटी या पूरी लोकेलिटी को मिनी पाकिस्तान कहना, ना ना ना, मैंने कहा ना आपको कि मैं तो शाहीन बाग भी नहीं कहना चाहता हूँ। उस प्रोटेस्ट में बैठे हुए साजिश करने वाले लोग शाहीन बाग को भी बदनाम कर रहे हैं। सीए पर आपने बड़ा खुलकर बात कही जी, आपके एक बड़े पुराने दोस्त हैं आपके, मतलब आपकी पार्टी के, लेकिन सबसे एकदम गुइया बज्जू, जब कोई साथ नहीं था तब भी वो साथ थे, 96 में भी साथ थे। किसकी बात कर रहे हैं? अकाली दल की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, कट्टी क्यों हो गई? नहीं, कट्टी नहीं हुई। अरे साहब, साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप उनके लिए सीटें छोड़े बैठे थे, पहली लिस्ट में आपने उनकी वाली परंपरागत सीटों पे कैंडिडेट नहीं दिए थे। हाँ तो ये उनका डिसीजन है कि वो दिल्ली में चुनाव नहीं लड़े। अरे आपने पूछा नहीं, आप तो मृदुल हैं कि भाई कहाँ गरारी फंस गई। नहीं नहीं, पूछा हमने, हमने बात करी और फिर कहा कि हमारे सिंबल पे लड़ो। सिंबल का झगड़ा था? वो तो बातें होती हैं, तो कई बातें अंदर होती हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अकाली दल को अकाली दल के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए राजी, लड़ाने के लिए राजी थी? हम तो उनको हर तरह से जैसे लड़ सकते हैं लड़ाने को राजी थे। पर वो तो यही कह रहे हैं कि साहब, वो कह रहे थे भाजपा के सिंबल पे लड़ो, जैसे वो सिरसा लड़े थे। उन्होंने जब ये पीसी कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे, तब हमने वो सीट रिलीज की है। हाँ, आप तो सीट रोके हुए थे, इससे इनकार नहीं है। और फिर आपने JDU और LJP को एडजस्ट कर लिया, पहले कभी नहीं किया एडजस्ट। नेशनली तो ये लोग है ही है हमारे साथ, अकाली दल भी है। झारखंड आपसे अलग अलग लड़े हैं। नेशनली बोला, नेशनली नहीं, बिहार में है, नीतीश कुमार साहब कहते हैं बिहार में गठबंधन है। हाँ, बिहार में है, अब दिल्ली में भी हो गया, दोस्ती हो गई, उस चक्कर में पवन वर्मा का पत्ता कट गया। नहीं, जो लोग नेता को न मान करके अपना अलग लाइन चलाते हैं उनका तो नुकसान होगा। मनोज तिवारी जी चूंकि बहुत सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहते हैं, कई उपलब्धियां हैं, कई कंट्रोवर्सीज भी जुड़ जाती हैं, आपने इतने कम ही है कंट्रोवर्सी, कम है, कम है, बहुत कम है, बहुत है ना।
हम लोग भी खोजते हैं, या तो आपके गाने के वीडियो मिलते हैं या आपके क्रिकेट के पराक्रम के वीडियो मिलते हैं। हाँ, ये बात सही, मैं क्रिकेटर भी हूँ। हाँ, तो आप ये बताइए मनोज जी कि अभी अपन T20 खेलने गए हैं, T20 का वर्ल्ड कप है, टीम को सही कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, मनोज तिवारी की सलाह क्या है? अब इसमें पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर मत पड़िएगा कि भैया हम क्या बताएं। नहीं, इस समय हम नहीं ध्यान दे पाए हैं, इस समय हम दिल्ली का T20 देख रहे हैं। दिल्ली का T20 देख रहे हैं। हमको उस T20 का कुछ भी मत पूछिएगा। हाँ, धोनी को खेलना चाहिए कि नहीं? धोनी को खेलना चाहिए था, वर्ल्ड कप खिलाएंगे, धोनी को खेलना चाहिए था इसमें भी। अच्छा, मैं सेलेक्टर होता तो धोनी को जरूर रखता। चलिए, आपने इतने हमें कर्णप्रिय गीत सुनाए, आपके गानों को लेकर दो कंट्रोवर्सी हैं। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एंकरिंग करते हुए एक महिला टीचर आपसे गाने को कहती हैं तो आप डांट देते हैं, एक वो वीडियो सर्कुलेट होता है। दूसरा वीडियो सर्कुलेट होता है जिसमें आप पार्टी के नेताओं के साथ बैठे हैं और आप बता रहे हैं कि जो लाइन में लोग लगे थे मैंने उनको कैसे बता दिया देशभक्ति का, और सब लोग ठहाका मार के हंसने लगते हैं। आपके विपक्षी इन दो वीडियोज़ को खूब घुमाते हैं आप पर निशाना साधने के लिए, क्या है आपका कहना? दोनों वीडियो को वो लोग गलत ढंग से दिखाते हैं जी। जो टीचर को मैंने डांट दिया था वो तो मेरी गलती थी, वो मुझे बुरा लगा, लेकिन ऐसे नहीं बुरा लगना चाहिए कि आप डांट दें। आपका बड़प्पन है, आप सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार नहीं, वो गलती थी सौरभ भाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे उस बिहेवियर के लिए, क्योंकि मैं वैसा हूँ नहीं। लेकिन साथ में वो, चूंकि वो टीचर ने कहीं नहीं कहा कि हमको मनोज भैया ने, अन्ना मैंने उसको सस्पेंड कराया, मैंने वहीं उसको कहा कि इसको सस्पेंड करिए, लेकिन मैंने वहीं उसको कह दिया भाई देखो ये इसको सस्पेंड मत करना। अच्छा। लेकिन वो पोर्शन नहीं चला, क्योंकि सार्वजनिक रूप से कहा गया, पर आप खुद ही कह रहे हैं क्षमा प्रार्थी उसको लेकर, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और बुरा इसलिए लग गया था मुझे, मैं सोचता हूँ कि कार्यक्रम सरकारी था और सरकारी कार्यक्रम की अपनी मर्यादा होनी चाहिए, कोई भी रहे भी कहीं पे भी, लेकिन मर्यादा कभी कभी टूट जाती है। तो ऐसे मनोज तिवारी ने जैसे नाराज हो गए, ऐसा नाराजगी नहीं होना चाहिए, वो हमारा फॉल्ट था। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं ना, जो ये नोटबंदी के दौरान हम किसी को बता रहे, अब वो हम तो तब आज भी कह रहे हैं कि जब नोटबंदी हुई तो लोगों को अचानक एक प्रॉब्लम तो हुई, लेकिन उस प्रॉब्लम में जो उद्देश्य था वो बहुत बड़ा था। पूरा हुआ उद्देश्य? उद्देश्य पूरा हुआ। इस देश में नरेंद्र मोदी सरकार के अपॉइंट किए हुए उनकी सम्मति से आए और फिर गए गवर्नर उर्जित पटेल या फिर देश का वित्त मंत्रालय, नोटबंदी के जो घोषित लक्ष्य थे उनको लेकर कोई भी देश के सामने आज तक स्पष्ट आंकड़े नहीं रखे गए हैं। सारे अर्थशास्त्री कहते हैं इससे जीडीपी को हिट मिलेगा, हिट मिला, देश की जीडीपी पिछले दो दशक में सबसे कम है ग्रोथ रेट। अगर नोटबंदी, एक्चुअली वो नोटबंदी तो थी नहीं, क्या था फिर? नोट बदली था। उसी को तो नोटबंदी कहते हैं कि जो नोट है वो नहीं चलेंगे, लेकिन उसको दे दीजिए दूसरे मिल जाएंगे, बाद दूसरे मिल जाएंगे। हाँ, तो ये नोट बदली था। नोटबंदी तो इसको गलत ढंग से कह दिया गया, नोटबंदी परफेक्ट वर्ड नहीं है उस अभियान के लिए, नोट बदली अभियान था, नोट बदली, लेकिन जो जिनका नोट ही गलत था, जिनके नोट का कोई हिसाब किताब ही नहीं, काला धन था उनके लिए तो समस्या थी। जिनका नोट असली था उनको समस्या थी, हमको लाइन में खड़ा होना पड़ा, पर वो छोटी समस्या थी, जैसे मुझे समस्या नहीं हुई कोई, हमारे पास है ही नहीं काला धन। अब ये बताइए कि 4 दिन आपको खड़ा होना पड़ा नोट बदलने के लिए, तो आप इतना परेशान हो गए, और शाहीन बाग में 41 दिन से खड़े हैं, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है? अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो शाहीन बाग के लोग हैं सिर्फ उन्हीं को दिक्कत हुई? इसी प्रवृत्ति के लोगों को दिक्कत हुई। अच्छा, वो एक प्रवृत्ति थी, और मैंने वीडियो, लेकिन जो अर्थशास्त्रियों ने कहा कि इससे देश की जो इकोनॉमी है उसको बड़ा हिट मिला है, मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि 2% का हिट मिलेगा, तब लोगों ने कहा ऐसे करें, लेकिन अब तो वो 2% से ज्यादा का हिट आ गया। इस देश में 13 करोड़ घरों में टॉयलेट बन गए जी। पैसा कहाँ से आया? 9.5 करोड़ घरों में फ्री गैस कनेक्शन चला गया, पैसा कहाँ से आया? 5 लाख रुपए का इस देश के 60 करोड़ लोगों को
5 लाख रुपया का फ्री इलाज मिलने लगा, आयुष्मान भारत। इसी जितने बचे हुए गांव थे, हर जगह बिजली का खंभा, बिजली का तार खिंच गया, कोई भी गांव बिजली से अछूता नहीं। सौभाग्य योजना, अटल ग्राम लोगों के घर घर में बल्ब, हमने एलईडी बल्ब देने लगे। ये सारी चीज़ों के बीच हम किसानों को 6,000-6,000 रुपया सालाना उनके अकाउंट में देने लगे। हमने व्यापारियों को 60 साल होने पर उनको 3,500 का पेंशन देने लगे। हम लोग जो भी जीएसटी भरता है उसको 10 लाख रुपए का जीवन बीमा देने लगे। ये सब नहीं हो पाता अगर ये नोटबंदी या नोट बदली, जिसको हम कहते हैं, नहीं हुआ होता। आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार की ये जो सुविचारित और प्रख्यात सुप्रचारित कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनका पैसा नोटबंदी के पैसे से आया, उससे बहुत फायदा हुआ है। कोई अर्थशास्त्री नहीं बता पा रहा है क्या फायदा हुआ। वो अर्थशास्त्री को छोड़िए, मनोज तिवारी अर्थशास्त्री को सुनिए ना, बताइए। मैं पूछ रहा हूँ, तो फिर ये जीडीपी क्यों गिर गई इतनी? जीडीपी का गिरना उड़ना कई और चीजों पे है, महंगाई का इंडेक्स, जीडीपी, आरबीआई से पैसा लेना पड़ रहा है, एलआईसी अपने एनपीए के मामले में पिछले 6 साल में सबसे बॉटम पर है। देखिए अभी भी खुद मोदी जी ने कारोबारियों से कहा, तारीफ मत करिए, खुलकर आलोचना करिए, सही सही फीडबैक दीजिए। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है। पर जीडीपी, हाँ ठीक है, लेकिन पूरे विश्व की जीडीपी गई है। गीता गोपीनाथन ने बोला है कि 80% जो डेंट लगा है वो तो इंडिया की इकोनॉमी की वजह से लगा। पूरे विश्व का, पूरा विश्व मंदी के दौर में है और पूरे विश्व की अपेक्षा भारत टिका हुआ है। सौरभ जी, हम इसको वर्ल्ड लेवल पे, वैश्विक स्तर पे समझना चाहिए। हमारी इंटरनल पॉलिसीज का कोई लेना देना नहीं? नहीं नहीं है ना, हमारी इंटरनल पॉलिसीज आज इतनी मजबूत हुई है। हम अच्छी चीज़ों को बंद, हमने मनरेगा बंद किया कांग्रेस के समय शुरू हुआ ना, हमने नहीं बंद किया। वो तो मोदी जी ने लोकसभा में भी कहा था, इसको जिंदा रखेंगे। ठीक है, लेकिन आज एक सबसे बड़ी जो चोट पहुंची है आतंकवाद पे जी, क्या उसको ये देश के अर्थशास्त्री लोग नहीं देखेंगे? नोटबंदी से आतंकवाद को चोट पहुंची है, भयानक चोट पहुंची, कहा गया था। लेकिन उसके बाद के जो आंकड़े आते हैं वो इस चीज की पुष्टि नहीं करते हैं, और वो आंकड़े केंद्रीय एजेंसीज के रिलीज किए हुए हैं, चाहे वो नक्सल एरियाज के हों, चाहे वो कश्मीर के हों। जो जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को नोट संस्कृति में उसको खड़ा किया जाता था, वो नोट जैसे ही वो बंद हुआ, उसके कारण विदेशी जो नकली नोट आते थे उसकी बंदी हुई, उसके कारण ड्रग माफियाओं, मतलब फैसले से सारी बीमारियों का इलाज, उनकी सारी चीज वही धरी की, बदल कहाँ सकते थे, वो किस बैंक में जाते। पर देश का रिजर्व बैंक तो कहता है कि 99.8% एक मोटा मोटा आंकड़ा, उतनी करेंसी वापस आ गई। 99.8% में 0.2% बचा ना जी, वो सारे पैसे से आतंकवाद हो रहा था। 0.2% का आंकड़ा तो देखिए कितना होता है। हमारी इकोनॉमी जो है वो 57,000-57 लाख करोड़ की है, उसमें 0.2% सोचिए तो कितना बड़ी बात है, बहुत बड़ी रकम है। तो आतंकवाद को चोट पहुंची नोटबंदी से, आतंकवाद को चोट ऐसी पहुंची कि जो पत्थर फेंकते थे वही जाके पंचायती चुनाव में वोट देने लगे। पंचायत का चुनाव हुआ जम्मू कश्मीर में, विधानसभा चुनाव कब करवा रहे हैं? दिल्ली के बाद हमें से लगता है कि हो जाना चाहिए। दिल्ली के बाद जम्मू कश्मीर नाम की यूटी में विधानसभा चुनाव होंगे, ऐसा आप कह रहे हैं? देखिए वो जाना चाहिए, वो जाना चाहिए, ऐसी आपकी उम्मीद है? मैं मनोज तिवारी हूं, चुनाव आयोग ने, पर चुनाव आयोग तो गृह मंत्रालय की अनुशंसाओं पे काम करता है ना मनोज जी, अब तो यूटी हो गया है। नहीं, जो भी है तो मुझे लगता है कि हमारे गृह मंत्री जी ने स्वयं ही कहा है सदन के फ्लोर पे कि हम बहुत जल्दी वहाँ पे चुनाव कराएंगे और रिस्ट्रिक्शंस हटा लेंगे, हटाएंगे। गृह मंत्री थे SB चौहान, सरकार थी नरसिम्हा राव की, राज्य था दिल्ली, नए नवेले मुख्यमंत्री थे मदन लाल खुराना, और खुराना साहब बड़े फ्रस्ट्रेट रहते थे क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं था, शक्तियां नहीं थी, काम नहीं कर पा रहे थे, काम जो घोषणा पत्र में वर्णित थे। और तब से ये दिल्ली का एक बड़ा चुनावी मुद्दा है, पूर्ण राज्य का दर्जा, खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आश्वासन दिया। लेकिन हम जब
आर्काइव टटोलते हैं तो मनोज तिवारी जी का इस पर कुछ और बयान आता है। भाई साहब, मैं एक किताब मंगवा रहा था, लेकिन मैं ऐसे बताता हूँ, पूर्ण राज्य के दर्जे पे क्या कहना। आम आदमी पार्टी ने 2015 के अपने 70 वादों में एक वादा किया कि हम सरकार में आते ही पूर्ण राज्य लागू कर देंगे। उनके तो अधिकार में ही नहीं, वो कैसे कर देंगे? किया तो उसने। हाँ, यही तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जब आपके अधिकार में ही नहीं है, फिर आप वादा कैसे कर देते हैं साहब? आपके अधिकार में है, आप बताइए, केंद्र में आपकी सरकार है। मेरा, मैं चाहता हूँ कि इसकी समीक्षा हो, पूर्ण राज्य होने से क्या क्या होता है इसकी समीक्षा। आपने कहा था कि देश की अखंडता खतरे में पड़ जाएगी, इस तरह का एक आपका बयान था। मैं समीक्षा कर रहा हूँ, अगर समीक्षा करूँ। आपको लगता है मदन लाल खुराना जी ने नहीं की, अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं की? नहीं, उन लोगों ने जो भी बात उठाई उस पर जब तक सभी एजेंसीज नहीं बैठेंगी तब तक इसका मामला जटिल तो है ही। मामला जटिल है ना, तो इसलिए कोई एक लाइन कहना इस पे ठीक नहीं है। जैसे अब मदनलाल खुराना जी ने कहाँ सोचा होगा कि अरविंद केजरीवाल टाइप का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, वो कहेगा हम रिपब्लिक डे रोकेंगे। माफी मांगी उन्होंने उसके लिए, लेकिन उसी दिन उन्होंने पूर्ण राज्य का सबसे बड़ा चोट पहुंचा दिया। केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसे धरना देके रजाई ओढ़ के लेट गए, अब उन्होंने तो खुद ही चोट पहुंचा दी। जो बात अभी चली थी, आप टायरवे भ्रष्ट कर दिए गाड़ी का। पर अब तो आपके हिसाब से आपकी सरकार आ रही है ना, मतलब भाजपा की, तो भाजपा पूर्ण राज्य देगी? केंद्र में आप, एमसीडी में आप, और आपके हिसाब से राज्य में भी आप। जब ये आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी को फंड नहीं दे सकती है, जब ये पुलिस को कह सकती है कि देखो पुलिस आग लगा रही है। नहीं, वो तो गलत, मनीष सिसोदिया का वो ट्वीट गलत था, फैक्चुअली रॉन्ग था। तो आखिर मनीष सिसोदिया ये तो पकड़े गए ना कि ये फेक न्यूज फैलाते हैं। हाँ, पूर्ण राज्य, पूर्ण राज्य के इसी पे उसके मैं सारांश में आ रहा हूँ, कंटेंस में आ रहा हूँ कि पूर्ण राज्य होने पे जी पुलिस का भी खर्चा उठाना पड़ेगा स्टेट को, जो कि अभी केंद्र उठाता है। तो भैया तुम सड़क का गड्ढा तो बना नहीं सकते। अब जब बात बीजेपी सरकार आएगी, मेरा ये मानना है, मैं अपना राय दे रहा हूँ आपको कि पूर्ण राज्य के बिना भी हम दिल्ली में घर घर नल से जल दे सकते हैं। पर पूर्ण राज्य नहीं देंगे? नहीं नहीं नहीं, वो तो उसकी मैंने उस पर अपना राय दे दिया। इसकी समीक्षा हो, सभी एजेंसियाँ बैठें, सभी पार्टी बैठे, और उसका जो निर्णय हो उसमें ललन टॉप को भी बिठाइए। क्या बात है, हम भी स्टेक होल्डर हो गए। स्टेक होल्डर बनिए ना, आप मीडिया जी, से हैं जी, बिल्कुल। मेरा ललन टॉप कहने का मेरा अर्थ है मीडिया को बिठाइए। आपका तात्पर्य जी, तो उसके उसमें देखिए क्या क्या फैक्ट आते हैं। जैसे होगा उसी फैक्ट आ सकता है एक कि भाई संसद दिल्ली से हटा दो, अब इसको कहीं और ले जाओ, कितने लोग तैयार होंगे? प्रधानमंत्री आवास दिल्ली से हटा दो कहीं और ले जाओ, कितने लोग तैयार होंगे? राष्ट्रपति भवन चलो बनारस बनाओ, कितने लोग तैयार होंगे? ये भी तो बात आएगी ना भैया। और नहीं तो दूसरी बात आएगी कि दिल्ली को दो भाग में बांट दो, फिर तो वही इस तरह का एक प्रस्ताव है कि ये जो सुरक्षा महत्व की जगहें हैं, वो जो एनडीएमसी वाला एरिया है जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हैं, सीक्रेसी और सब चीज़ें हैं, वहाँ पर एक अलग विधान रहे, और बाकी दिल्ली में जो बुराड़ी है, कापसेड़ा है, नजफगढ़ है, मटियाला है। तो अब जरा लोगों से पूछताछ करवाइए कि लोग ऐसा चाहते हैं कि इसको छोड़ करके बाकी दिल्ली अलग हो जाए? दिल्ली को बांटना चाहते हैं लोग? कौन बांटना चाहता है, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। मतलब मदन लाल खुराना से लेकर अरविंद केजरीवाल तक सब दिल्ली बांटना चाहते हैं? मदन लाल खुराना जी ने जब ये बात कही होगी, वो जिस भी कंटेक्स्ट में कही होगी, उसकी समीक्षा कर रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ, मतलब इसमें किसी आखिरी निष्कर्ष पर ना, आखिरी निष्कर्ष पे मैं नहीं पहुँच रहा। आखिरी सवाल मनोज तिवारी जी, आपने धैर्यपूर्वक हमारे सारे सवाल सुने, उनके अपने तई जवाब दिए। एक शब्द हम खूब सुन रहे हैं दिल्ली चुनाव में, पूर्वांचली, पूर्वांचली वोटर, पूर्वांचली वोटर। फिर उन्होंने कहा नहीं, पूर्वांचली बहुत ज़्यादा आ गया, तो साहब पंजाबियों को भी साधना है। ये इस तरीके से एक मोटा माटी कैटेगराइजेशन कर दिया कि ये बाहरी दिल्ली के हैं वोटर, इनको संभालने के लिए फलाने जी चाहिए, ढिकाने चाहिए। क्या दिल्ली की डेमोग्राफी
पिछले 15-20 साल में इतनी चेंज हो गई है कि नाउ पूर्वांचलीज आर द मोस्ट डिसाइसिव फैक्टर? देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी कभी भी कम्युनिटी के आधार पे दिल्ली को बांटती नहीं है, न ये मेरा हम लोगों की सोच है। हमारा तो एक सोच है कि सबसे पहले राष्ट्र, फिर पार्टी, फिर हम। दिल्ली के संदर्भ में जो डेमोग्राफी है, जैसे अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के लोगों का समर्थन कर रही है। अरे अरविंद केजरीवाल जी, आज़ादी ये पाकिस्तान बंटवारे के बाद, भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद लाखों लोग आकर के पाकिस्तान से यहाँ बसे हुए हैं। आप ने भी पिछले दिनों अपनी रैली में, हाँ, ये अरविंद केजरीवाल के लिए पाकिस्तानी होंगे वो सभी पंजाबी भाई, वो सभी सिंधी भाई, वो सभी जो वहाँ से छोड़ छोड़ करके आए दलित भाई, वो अरविंद केजरीवाल के लिए पाकिस्तानी है। अरविंद केजरीवाल हमारे लिए भाई हैं। 47 में शरणार्थी आए उनको पाकिस्तानी, उनको पाकिस्तानी कहा है, पर वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं अपनी सफाई में कि हम तो जो अभी आप सीए के जरिए नागरिकता देने की बात कह रहे हो उस पर टिप्पणी की, हम जो यहाँ पर पहले से बसे हुए हैं उन पर कैसे करें? तो भैया इनमें उनमें अंतर क्या है? वो भी आए थे, ये भी आए हैं। जब नेहरू लियाकत समझौता का नहीं पालन हुआ तो ये भी आए, तो हमारे लिए तो भाई हैं, तुम्हारे लिए वो पाकिस्तानी हो गए। तो अब यहाँ के जो पंजाबी सिंधी जो लोग आए हैं ना, वो 8 फरवरी को बताएंगे कि कौन पाकिस्तानी है और कौन भाई है। मेरा ये मानना है कि यहाँ जो डेमोग्राफी है वो भी डेमोग्राफी आई थी और बहुत मजबूती से दिल्ली में खड़ी है और दिल्ली को बनाने में उनका योगदान है। बिल्कुल, वैसे ही हरियाणा से लोग आए, बिहार से लोग आए, यूपी से लोग आए, बुंदेलखंड से लोग आए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए, हमारे हिमाचल से आए, उत्तरांचल से आए। इन सभी लोगों को सम्मान किसने दिया? आज पूर्वांचल को हमने 11 सीट दिया है इस चुनाव में। आम आदमी पार्टी बताए कि बीजेपी ने तो 11 सीट भी दिया पूर्वांचल को, और पूर्वांचल का अध्यक्ष है, उसकी अध्यक्षता में चुनाव भी हो रहा है। आप क्या करे हो पूर्वांचल के लिए? आपने सिर्फ गाली दिया, 500 रुपया का टिकट लेके आ जाते हो, वो बोझ बन जाते हो, इलाज करा के जाते हो, तो आपको बिहार के लोग बोझ बन गए। नहीं, उसमें उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि मैंने ये कहा था कि भाई बाहर के लोग भी कराएं, पर दिल्ली के अस्पतालों की अपनी क्षमताएं हैं। ठीक है, तो बोझ बने ना, बोझ बने ना। अरे वो तो उनको 5 लाख का इलाज तो मोदी सरकार ने दिया है, आप तो दिए भी नहीं हो। वो कहते हैं हमारी अपनी स्कीमें चल रही हैं, हमें आयुष्मान भारत की जरूरत नहीं है। तो फिर आपकी स्कीम थी तो हमारे दरवाजे पे लोग क्यों आ रहे हैं? मैं अभी गया था सीस गार्डन में, तमाम लोग खड़े हो गए। मेरी 500 रुपये का इलाज फ्री नहीं हो रहा है भैया। मोहल्ला क्लिनिक में ये ब्लड टेस्ट नहीं होता है सौरभ भाई। अच्छा, विदाउट ब्लड टेस्ट आप बता सकते हो कि, या हम भी बता सकता हूँ डॉक्टर की आपका क्या क्या रोग है? ज्यादातर बीमारियां तो इस तरह के ब्लड टेस्ट ही नहीं होता मोहल्ला क्लिनिक में। तो फिर जो बीजेपी की पूरे शहर में होर्डिंग लगी है नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ, उसमें ये मुद्दे नजर क्यों नहीं आ रहे? वहां पर 3 मुद्दे दिखते हैं, CAA, ट्रिपल तलाक और कॉलोनीज। ये हेल्थ का मुद्दा क्यों नहीं है बीजेपी में प्रमुखता से बड़ी बड़ी होर्डिंग्स में? नहीं, जो हमने कर दिया है वो आया है और जो करने वाले हैं वो संकल्प में आ रहा है, आ रहा है। लेट नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं, होर्डिंग फिर बदल देंगे ना, ना फिर एक दिन ललन टॉप से बतिया लेंगे, फिर बतिया लेंगे। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि संकल्प आने पे एक दिन बतिया लेना है, आप बहुत पावरफुल एजेंसी हो। अच्छा, आप कहोगे तो मैं दिन भर बैठा रहूंगा। आप इतने अधिकार से कह रहे हैं, हम जरूर बात करेंगे आपसे। जी, आपने कहा कि हम ऐसे नहीं देखते कि पंजाबी हैं या पूर्वांचली हैं, फिर आपने गिना भी दिया कि हमने 13 लोगों को टिकट दिया। अगर पूर्वांचली फैक्टर नहीं है, पूर्वांचली ही नहीं, सबको दिया। उत्तरांचली को पूछिए, आम आदमी पार्टी ने उत्तरांचल को कितना टिकट दिया? हमने 2 टिकट दिया, इन्होंने 1 भी नहीं। आप जितना सवाल पूछते जा रहे हैं हम अरविंद केजरीवाल से सब पूछेंगे। पूछिएगा, आप उत्तरांचलियों से पूर्वांचलियों से इतनी घृणा क्यों है भाई? तो ये बताइए कि अगर पूर्वांचली फैक्टर नहीं है तो मनोज तिवारी जो कैमूर के रहने वाले, हाँ, जिनका कार्यक्षेत्र पूर्वांचल या मुंबई, उनको दिल्ली में ला के चुनाव क्यों लड़ाया गया? फैक्टर तो है ही ना? नहीं नहीं, तो
हर ये तो सबका साथ सबका विकास होगा कैसे? अरे तो यहीं पे आके विकास क्यों करना है, अपने इलाके में करवाते ना। अगर यहाँ दिया गया तो एक पॉलिटिकल फैक्टर होगा ना। नहीं तो वो तो इसीलिए तो मैं आया ना। हमको बीजेपी पूर्वांचलियों को मनोज तिवारी के जरिए साधना चाहती है, एक राजनीतिक संदेश देना चाहती है कि आप हमारे साथ जुड़े। नहीं इसीलिए तो हमको लाया होगा कि इसलिए कि उस समाज को एक मैसेज जाए कि अब बीजेपी पूर्वांचलियों का भी सम्मान करती है और विजय गोयल और प्रवेश वर्मा का भी करती है। उनका तो वो लोग तो हमारे बड़े हैं। प्रणाम, विजय जी का नाम आते ही मैं नमस्ते करता हूँ। हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी और प्रवेश तो भाई है मेरा, छोटा भाई है। प्रवेश छोटा भाई, ये दोनों बड़े भाई। हाँ, रमेश भिधुड़ी है, वो रमेश भिधुड़ी उम्र बड़ा में है, छोटा? बड़े हैं, बड़े भाई हैं, उम्र में बड़े हैं। हाँ, और बट वो एकदम सिपाही है, हरकतें लड़कों जैसी। अरे नहीं नहीं वो मतलब यंग जैसी। हाँ बिल्कुल। तो ये जो इतने सारे भाई गिनवा दिए, इसमें से कौन सा भाई मुख्यमंत्री बने? बहन भी है हमारी, बहन भी है मीनाक्षी लेखी, मेरी बड़ी बहन है। और टिकट वितरण में खूब जोरदार मुकाबला भी हुआ। जी मेरे बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं। तो इन बड़े भाइयों में और एक बहन में यदि भाजपा सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अगर मनोज तिवारी से ये पूछा जाए, पार्टी पूछती है? अच्छा ही बनाऊंगा, चिंता मत करिए, अच्छा बनाऊंगा। नहीं अच्छे तो कई लोगों की नजर में मनोज तिवारी भी है। अच्छा होगा, अच्छा होगा, कोई भी होगा अच्छा होगा, जो भी होगा एकदम अच्छा होगा। और जनता के आप सब जो भी जनता का जनादेश आएगा वो स्वीकार होगा, स्वीकार होगा, भारत पाकिस्तान नहीं होगा। नहीं नहीं बिल्कुल, यहाँ तो जो भारत पाकिस्तान की भावना का फैलाते हैं जी बिल्कुल, उसका कभी कभी जवाब देना पड़ जाता है। लेकिन हम तो दिल्ली को खुशहाल दिल्ली बनाना, खुशहाल दिल्ली सबके लिए। मैं तो क्या है ना, मेरे मन में रोज एक जुनून है, अच्छा गुनगुनाहट है, जैसे आजकल मैं चलते चलते एक गीत गुनगुनाता हूँ, सुनाऊँ आपको? हाँ हाँ बिल्कुल। ये मेरी दिल्ली को किसकी नजर लग गई है, दिल्ली की हवा क्यों जहर हो गई है, दिल्ली को किसकी नजर लग गई है, यमुना के तट पे राहें सुनी पड़ी है, बच्चों के चेहरे पे क्यों मास्क है, मिलके तो बैठो ये बड़ा टास्क है, मेरी दिल्ली को किसकी नजर लग गई है, नजर लग गई है। मैं एक घंटा गा सकता हूँ ऐसे? हाँ नहीं आप गा सकते हैं, क्योंकि मैं अनुराग कश्यप से बात कर रहा था जब जिया हो बिहार के लाला रिकॉर्ड हो रहा था ना, तो गाने की रिकॉर्डिंग पूरी हो गई, लेकिन मनोज तिवारी भीतर अपनी धुन में और 20 मिनट तक गाते ही रहे, गाते ही रहे, गाते हाँ, रहे। ये बाहर वरुण स्नेहा सब नाच रहे थे। अनुराग जी सही बात है, आज भैया अनुराग गड़बड़ हो गए, वो कह रहे हैं आप गड़बड़ हो गए, आप कह रहे हैं वो गड़बड़ हो गए। भैया हैं आपके? नहीं भाई हैं। हाँ पर भाई बड़ा नाराज है आपकी पार्टी से। नहीं मैं ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक कर देंगे आप उनको भी? नहीं नहीं ठीक नहीं कर देंगे वो मैं बैठूंगा इस चुनाव के बाद उनके साथ बैठूंगा। वो देखो बहुत टैलेंटेड व्यक्ति। अनुराग कश्यप, मनोज तिवारी जी आपसे मुलाकात के लिए, ये दिल्ली में बैठेंगे कि मुंबई में? नहीं मैं उनके घर जाऊंगा, मुंबई में आ रहे हैं आपसे मुलाकात के लिए। वो है उनके मन में कुछ होगा तो नरेंद्र भाई ने भी कहा है कि आप अनुराग के साथ बैठो। ये तो एकदम आपने ब्रेकिंग दे दी एक्सक्लूसिव कि नरेंद्र मोदी ने मनोज तिवारी से कहा है कि अनुराग कश्यप से बात करिए। हाँ घर का बच्चा है अपने बनारस का। नहीं नहीं ये लोग रियली टैलेंटेड लोग हैं। हाँ। और इनकी बातों का हम वजन समझते हैं, इसलिए मैं बैठूंगा बात करूंगा। मोदी जी ने कहा है ऐसा? हाँ मैं बात करूंगा उनसे। मनोज तिवारी जी, आपने इतने धैर्यपूर्वक इतने विस्तार से लल्लन टॉप के दर्शकों से दिल्ली के मुद्दों पर, सियासत के मुद्दों पर और भी कई मुद्दों पर बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार और दिल्ली के चुनाव के लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सौरभ, थैंक यू सो मच। संकल्प के साथ मिलेंगे आपसे जी।